नीता चौबे समस्त परिवार के माध्यम से पीथमपुर इंदौर मध्य प्रदेश से आप बड़े भाव से कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं। मैया जी ने पहले भी कई बार कथा पीथमपुर में करा चुकी हैं और अब की बार बिहारी जी ने हैं। ये हर बार बिहारी जी को अपने घर पे बुलाती थी तो बिहारी जी ने कहा इस बार हम बुलाएंगे आपको, आप आओ। पीथमपुर में बहुत वर्षों पहले मैया जी ने आयोजन कराया था और ये दास को आयोजन में जाने का कथा सुनाने का अवसर मिला था। 3 साल हो गए कि नहीं मैया जी, कि 4 साल हो गए? 3 वर्ष पहले मैया के यहाँ कथा हुई थी, मैया नीता जी ने करवाई थी। उस कथा से ही पीथमपुर के समस्त भक्त जुड़े थे और अब तो निरंतर सब कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। इस बार रानी बहन के माध्यम से बिहारी जी ने सबको वृंदावन बुलाया और कथा का सुंदर सा आयोजन हो रहा है। भगवान की ये दिव्याति दिव्य कथा प्राणी मात्र की कल्याण के लिए है। मनुष्य मात्र का कल्याण इसी कथा से संभव है, इसलिए ज्यादा ना सही तो थोड़ा सा समय निकाला करो और भागवत की गंगा में डुबकी लगाया करो, इसी से हम प्राणी मात्र का कल्याण है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। भागवत आज प्रारंभ होगी जन्माद्यस्य से। भागवत के पहले स्कंध के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ना तो यहां सूत उवाच है, ना तो शुक उवाच है, ना शौनक उवाच है। फिर ये कौन स्तुति कर रहे हैं? तब कहा श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं मंगलाचरण करते हुए। भागवत जी का मंगलाचरण है, ब्रह्म सूत्र का श्लोक है, गीता जो भागवत है ना मेरी माँ, जो गायत्री मंत्र है ना हम लोग पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र की संपूर्ण व्याख्या है ये, है ना। गायत्री भाष्य श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म सूत्र, इतने इतने से श्लोकों में ये कह दिया जाए कि गायत्री मंत्र में समस्त 18 पुराणों की व्याख्या हो सकती है। केवल गायत्री मंत्र से चारों वेदों का सार केवल गायत्री मंत्र है, सिर्फ गायत्री मंत्र, इतना पावरफुल ये गायत्री मंत्र। उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत, गायत्री मंत्र की व्याख्या ही श्रीमद् भागवत। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परम धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हम सभी को जन्म दिया है, जन्म देने वाले को
यहाँ पर याद किया गया। जन्म देने वाले कौन? परमात्मा। यतः जन्माद्यस्य, जो परमात्मा हम प्राणी मात्र के पालनहार हैं, वो भगवान का परिचय कैसा है? ये भगवान का परिचय है, ईश्वर कैसे हैं? भगवान चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। अच्छा, भगवान हम अपने कमरे में कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो क्या ये बात भगवान जान पाएंगे? हम आपसे कान में धीरे से कुछ बोल दें तो क्या भगवान ये बात जानते हैं? हमने आपको क्या बोला मैया जी? हमने धीरे से आपके कान में कुछ कह दिया तो क्या ये बात भगवान सुनेंगे? हाँ या ना? कैसे सुनेंगे? कैसे सुनते हैं? भगवान सुन लेते हैं। भगवान के पास भी रिकॉर्डर है, सब चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, भगवान बिना कान के सुन लेते हैं। एक चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांध कर नाचती है तो उस परमपिता परमात्मा को सुनाई पड़ जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा कि भगवान तो साकेत में, बैकुंठ में, गोलोक में रहते हैं, फिर हमारी आपकी बातें कैसे सुनते हैं? तो समाधान है कि भगवान हम सबके मध्य में ही रहते हैं, हम सबके भीतर ही रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? स्वराट। ईश्वर का जो प्रकाश है हमारे भीतर, जो आत्म तत्व है, आत्मा की रूप में वह परमात्मा ही तो है। हम सबके भीतर वह भगवान वैसे ही समाये हैं जैसे मिश्री के भीतर मिठास समाई है, जैसे घड़े के भीतर मिट्टी समाई है, जैसे दरवाजे के भीतर लकड़ी समाई है, जैसे लकड़ी के भीतर आग समाई है। लकड़ी में आग है कि नहीं है? हाँ या ना? है बिल्कुल है, कन्फर्म है। जैसे लकड़ी के भीतर आग है। अच्छा, आग को प्रकट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अरणी मंथन। लकड़ी को एक लकड़ी से ऐसे ऐसे घिसने से, बहुत देर तक घिसने से क्या होता है? डिस्कवरी चैनल देखा कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसे घिसते घिसते घिसते, हाँ, लकड़ी को लकड़ी से ऐसे ऐसे घिसो तो आग क्या होती है? उससे प्रकट हो जाती है। आग तो थी पर आग को प्रकट करने के लिए यूं मंथन करना पड़ा। उसी प्रकार हम सबके भीतर वैसे ही परमात्मा समाया है जैसे लकड़ी में आग समाई है, पर उसे प्रकट करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। जैसे आग को प्रकट करने के लिए मंथन करना पड़ेगा, ऐसे हमें भगवान को पाने के लिए भक्ति और प्रेम करना पड़ेगा। भगवान से अत्यधिक प्रेम करो। हम तो कहते हैं किसी से प्रेम किया ही मत करो, केवल भगवान से प्रेम करो। वह भगवान चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं। इसलिए ये मत सोचा करो कि भगवान यहाँ नहीं है, ये देख नहीं रहे हैं। कोई भी काम करो तो ये सोच कर कि भगवान देख रहे हैं। इसलिए गलत निर्णय लेने के पहले सावधान, क्योंकि इस निर्णय का परिणाम बुरा होगा, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। इसलिए ना गलत सोचा करो, ना गलत बोला करो, क्योंकि सबके साक्षी कौन है? सबके साक्षी, तो साक्षी गोपाल जी हैं, भगवान जी है ना साक्षी। एक चेले को गुरुजी के दो चेले थे, दोनों चेलों को गुरुजी ने एक एक लड्डू दे दिया। अच्छा, गुरुजी बहुत बड़े संत थे और उनकी बहुत बड़ी राज गद्दी थी, मतलब गुरु परंपरा की जो गद्दियां होती हैं महंतों की, और गुरुजी के पास बड़ी प्रॉपर्टी थी। वो सारे चेला चाह रहे थे कि हमें गुरुजी का धन मिल जाए, तो बहुत सारे, हाँ गुरुजी हम आपके साथ।
तो गुरुजी ने सबको परखा, तो सबको छांटा, तो दो चेला निकल के आए जो बढ़िया पावरफुल चेला थे और बड़े अच्छे थे। अब गुरु एक है, गद्दी एक है और बैठने वाले कितने हैं? दो। तो अब गुरुजी निर्णय करें कि इन दो में से कौन बढ़िया है। तब गुरुजी ने दोनों को एक एक लड्डू दिया, जाओ इस लड्डू को ऐसी जगह खाना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह खाना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। एक चेला गया और कमरे में बंद होके गप कर लिया, और दूसरा चेला गया कमरे में तो उसे लगा कि गुरुजी ने कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समान सर्वम खलविदं ब्रह्म, यदि कमरे में हमें दुनिया के लोग नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, इस कमरे के भीतर परमात्मा की दृष्टि तो फिर भी है। हाँ, सब जगह। अब वो चेला इस कमरे से निकले तो उस कमरे में जाए, वहां पेड़ के नीचे जाए, फिर वहां नदी के किनारे जाए, फिर वहां पूरा घूम घाम के शाम को आया। गुरुजी ने कहा क्यों तुमने इतनी देर लगा दी? पहले वाले ने कहा गुरुजी हमने लड्डू खा लिया। कहां खाए? बोले कमरे में। कोई देखा तो नहीं? कोई था ही नहीं वहां। दूसरे से कहा क्यों भाई लड्डू कहां है? बोले ये रहा लड्डू आपका, हाथ पे लिया था। क्यों नहीं खाया? बोले गुरुजी ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहां हमें कोई देख ना रहा हो, हर जगह हम परमात्मा की नजर में ही है, हर जगह ईश्वर हमें निहार रहा है, हर जगह से वो परमात्मा हम पर कृपा की दृष्टि डाल रहा है। चेला को गुरुदेव भगवान ने हृदय से लगा लिया, इस गद्दी पर बैठने का तू ही अधिकारी है, क्योंकि तुझे सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब में ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, सब जगह ब्रह्म है, सब जगह ईश्वर है। देखिए ये बातें ये याद कर लेना सरल है, ये बातें रट लेना सरल है कि सी राम मय सब जग जानी, सब में भगवान है, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, ये सब ईशावास्यमिदं सर्वम सब याद कर लेना बहुत सरल है, पर क्या करें ईश्वर सब जगह है, ये रट लेना तो सरल है पर इस दृष्टि को हृदय में धारण करके प्रैक्टिकल कर लेना बड़ा कठिन है। सब में भगवान है, केवल रटो मत मेरी माँ, सब में भगवान है, रटने से काम नहीं होगा, चरितार्थ करो, चरित्र में ये व्यवहार में लेकर आओ कि सब में वही समाया है, हम किससे विरोध करें, हम किससे क्या कहें, इसलिए वह ब्रह्म की दृष्टि बन जाए। यही लिखा है चार थे सुभिज्ञः स्वराट, वह परमात्मा सब जानता है, क्यों? क्योंकि घट घट का वासी है, इसलिए चार थे सुभिज्ञः स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये मतलब ब्रह्मा जी तो मुह्यन्ति यत् सूर्यः, जिस परमात्मा के ज्ञान को देखकर, जिस परमात्मा की लीला को देखकर ब्रह्मा भी मोहित तो हो गए। अच्छा ये बताओ, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, भगवान की कथा सुन के मोहित तो हो जाता है कि नहीं? अरे भगवान की कथा ऐसी है कि ज्ञानी जन भी क्या कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, ये ज्ञानी लोग कहते हैं। मतलब ज्ञानी लोग भी भगवान की सामान्य लीलाओं को देखकर, माखन चोरी बाल लीलाओं को देखकर क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। जिस परमात्मा की लीला को देखकर ज्ञानी ज्ञानी और क्या कहें, आज तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे हैं भगवान? दुर्वासा जी को पता चला मैया शांति से बैठिएगा, बैठ जाओ, चलो बिल्कुल बिल्कुल डे बोले टुप्पई टाप रहना। इस उंगली का प्रयोग यहां करिएगा इस बार शांति से। अच्छा एक बार दुर्वासा जी को पता लगा कि भगवान कृष्ण का अवतार हो गया, तो दुर्वासा जी आए यमुना जी के किनारे, बालू में भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के संग सारे कपड़े उतार के, छोटे से थे ना भगवान उस समय, 4 साल के रहे होंगे,
तो बालू पर कभी यमुना में डूबे फिर यमुना से निकल के आए तो बालू में लोटने लग जाए। केवल अकेले श्याम सुंदर नहीं, ब्रजवासी श्रीदामा मधुमंगल इत्यादि सारे बच्चे थे और सब बिना कपड़ों के थे। छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे नहाते हैं। वो नहाए यमुना जी में फिर आए तो बालू में लौट जाए। दुर्वासा जी आए यमुना के किनारे, ब्रजवासियों को नाचते कूदते खेलते देखा, भगवान पीठ पर बैठ के सिर पे बालू डाल रहे हैं ब्रजवासियों की, तो ब्रजवासी भी भर भर के लाके और लाला के श्याम सुंदर के मस्तक में बालों में बालू डाल रहे हैं। फिर सारे ब्रजवासी यूं हाथ पकड़ के यमुना जी में फेंक देते, फिर वो किनारे आते। ऐसी लीलाएं ठाकुर जी की चल रही थी। तभी विश्व दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी ने किसी से पूछा उन बच्चों में से, ए भैया यहाँ आओ, बाबा का है गो। बाबा बोले, भैया ये बता, मैंने सुन रखे है कि भगवान को अवतार है गयो है या ब्रज में, तो बता नंद को छोरा कहाँ है। सारे ब्रजवासी बोले, बाबा तो कु नंद को छोरा चाहिए। हाँ बताइयो तो जरा वाको घर कहाँ है, मैं किस तरफ से जाऊं। तो ब्रजवासी बोले, बाबा वाके दर्शन की ताई घर जाए भी की जरूरत ना है। तो अरे देख वो नंद को छोरा है। वो कौन? वो उसके ऊपर बालू डाल रहा है। वो देखो उसके ऊपर बालू डाल दिया बालों में। वो देखो वो भाग रहा। वही? अच्छा वो नंद का छोरा? हाँ वो कपड़े वो नंग धड़ंग है बिल्कुल। हाँ हाँ वही नंद को छोरा। हे भगवान, दुर्वासा जी बोले, वो ब्रह्म है परमात्मा है जिसके सामने हम हाथ जोड़ के खड़े और ये यहाँ ऐसी नंग धड़ंग घूम रहा है। अब तो दुर्वासा जी को आश्चर्य हुआ, मुह्यंत यत् सूर्यः, ऐसे ऐसे ज्ञानी दुर्वासा जी को लगा, ये कैसा भगवान है, हमें तो नहीं लगता कहीं भगवान ऐसा भगवान। ब्रजवासियों के संग खेल रहा, ब्रजवासी सिर पे रेत डाल रहे। भगवान समझ गए कि बाबा जी डाउट कर रहे हैं, हम पे संदेह कर रहे हैं। और संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर कभी संदेह ना कीजिएगा। भगवान ये जो लीलाएं करते हैं ना, ये आनंद को बढ़ाने के लिए करते हैं। संशय हुआ दुर्वासा जी को, तभी भगवान ने अपना मुंह खोला ऐसे आ, और मुंह खोला और हल्की सी सांस ली तो दुर्वासा जी खिंचे चले आए और दुर्वासा जी पूरे के पूरे दुर्वासा जी भगवान के मुख में समाते हुए भगवान के पेट में चले गए। भगवान ने गप कर लिया दुर्वासा जी को और अब दुर्वासा जी अंदर ही अंदर सारा संसार देख रहे हैं। वही नंद का छोरा, वही यमुना जी, वही बालू, वही सब। अब सब अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल सब नजर आए, स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक महर लोक सब नजर आए। अब दुर्वासा जी यूं यूं गोता खा रहे हैं यहां वहां, हे भगवान क्षमा करो, हम समझ गए, हम समझ गए, समझ गए। तब भगवान ने निकाल के बाहर किया, तुम भगवान की सामान्य लीलाओं को देख करके सुन करके मोहित कौन नहीं होता। अरे भगवान लीला ही ऐसी करते हैं कि ब्रह्मा भी मोहित हो जाएं। बछड़े चुरा के ले गए कि नहीं ब्रह्मा जी, आगे सुनाएंगे। ऐसे भगवान जिनमें ना पांच, हम पांच तत्वों से मिलकर बने हैं, क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से है, पर परमात्मा दिव्य है। वो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से नहीं बनते भगवान, हम में तीन गुण हैं, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण। भगवान इन तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत है। हाँ इसलिए ऐसे भगवान कौन? भगवान जो सत्यम, जो भगवान सत्य है। सत्य कैसे है? अच्छा भगवान, अच्छा एक बात बताओ, कई बार संदेह होता है कि मिट्टी है तो घड़ा है। अच्छा मिट्टी ना होती तो घड़ा होता कि नहीं, बोलो? मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त है। उपादान कारण और निमित्त, अब जरा इसको गंभीरता से समझिएगा। यदि मिट्टी ना होती तो घड़ा होता?
मिट्टी है तो घड़ा है, मिट्टी ना होती तो घड़ा ना होता। अब ये बात भगवान में लागू नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि भगवान है तो संसार है। अरे भाई, भगवान है तो संसार है, और भगवान है तो संसार भी नहीं है। संसार को भगवान वैसे ही भीतर रख लेते हैं, भगवान से ही संसार प्रकट होता है। जब संसार नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, तब एक परमात्मा था। कैसे? जैसे मकड़ी का जाल, जैसे मकड़ी अपने जाल को अपने अंदर से प्रकट करती है, उसकी लार से जाल बनाती है, उसमें खेलती है और जाने लगती है तो उसे निगल करके खा करके आगे बढ़ जाती है। जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी से निकलता है, मकड़ी उसी में खेलती है और अंत में खुद ही उसे निगल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा से ही ये संसार बना और अंत में ये संसार परमात्मा में वैसे ही समा जाएगा जैसे मकड़ी के भीतर उसका जाल समा गया। अच्छा, जब जाल नहीं था तब भी मकड़ी थी के नहीं, और जाल है तब भी मकड़ी है के नहीं? हाँ या ना? उसी प्रकार जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, और संसार नहीं रहेगा, संसार है तो भी परमात्मा, और संसार नहीं रहेगा तो भी, तो वह रहेंगे। वह भगवान है, वह कभी मरते नहीं है, क्योंकि मृत्यु उनकी होती है जो योनि से जन्म लेते। ईश्वर को अयोनिज कहा गया है। ईश्वर को हम योनि से जन्म लेने वाले प्राणी हैं, हम मृत्यु के चक्र में पड़े हुए प्राणी हैं, हम जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। ईश्वर को अजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर का एक नाम क्या है? अजन्मा। अजन्मा उसे कहते हैं जिसका कभी जन्म नहीं हो। हमारा तो जन्म होता है। अच्छा, भगवान राम का जन्म नहीं हुआ, भगवान तो प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान तो लिखा है ना, हम लोग स्तुति में गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षीण चतुर्भुजम शंख गदार युदायुधम। अर्थ क्या है? भगवान हमारी तरह थोड़ी जन्म लेते हैं, प्रकट हो गए भगवान। निशीथे तमद्भूते जाय माने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुआसया। जो सर्व के, जो सबके गर्भ में रहते हैं, जो सबके भीतर और बाहर रहते हैं, आज वह भगवान देवकी के गर्भ गृह में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट भए? तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम, चार हाथ लेकर प्रकट भए। अब कोई बच्चे का जन्म होता थोड़ी चार हाथ का होता है, और शंख चक्र लेके थोड़ी प्रकट होता है। ये कोई सामान्य बालक थोड़ी है, ये तो जगत के पिता आज पुत्र बनकर के बालक के रूप में प्रकट हुए हैं मात्र लीला के लिए। यदि सामान्य बालक होता तो मैया यशोदा ने कहा चल मुंह खोल, तो कन्हैया ने मुंह खोला, आ तो मिट्टी नजर तो नहीं आई पर ब्रह्मांड नजर आया। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य बालक, यह भगवान है, और भगवान प्रकट होते हैं इसलिए उन्हें अजन्मा कहते हैं। हाँ, वो भक्तों के सुख के लिए किसी को माँ कह देते हैं, ये मैं इसका बेटा हूँ, यशोदा मेरी माता है, देवकी मेरी माता है। ये भगवान केवल अपने भक्तों का सुख बढ़ाने के लिए कहते हैं। वो है सबके पिता, पर कह देते हैं कि हम तुम्हारे बेटा है। यशोदा मैया लाठी लेके दौड़ती है, पकड़ लूंगी और उखल से भी बांधूंगी, और भगवान भाग रहे हैं। भगवान से पूछा गया आप किससे डरते हैं, तब भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा से, शिव से नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, डर लगता है तो केवल माता यशोदा की डांट से डर लगता है, माता यशोदा की छड़ी से डर लगता है, मैं डर जाता हूँ। वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं डर रहा हूँ। जिससे दुनिया डरती है आज वो भगवान डरा डरा भाग रहा है, मैया मत पकड़ियो, मैया मत बांधियो। क्यों? क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। ये भगवान की परम उदारता है, ये भगवान की परम दयालुता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे,
छोटा सा बच्चा कभी पिता से कहता है कि हमें अपनी पीठ पर घुमाओ, तो पिता क्या बन जाता है? घोड़ा। और अपने बच्चे को अपनी पीठ में बिठा के घुटनों के बल चलता है कि नहीं? हाँ, क्यों चलता है? क्यों चलता है? वो पिता क्या किसी के कहने से घोड़ा बनेगा? वो किसी पावरफुल व्यक्ति के कहने से घोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। पर अपने बच्चे के कहने से घोड़ा बन जाता है। जैसे बाप अपने बेटे के कहने से घोड़ा बन जाता है, ऐसे वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वह भक्तों के कहने से सगुण और साकार बन जाता है। वह भगवान निर्गुण निराकार है, पर भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट होता है। ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान का हम सभी ध्यान करें, स्मरण करें, उनका निरंतर चिंतन करें, स्मृति बनाए रखें, स्मरण बनाए रखें। भागवत जी निष्कपट हैं। भागवत जी कौन सा धर्म प्रकट करती हैं? धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्य वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणात्। भागवत क्या है? धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। भागवत जी उस धर्म को पुष्ट करती हैं जो मत्सर रहित है, अर्थात कपट रहित है। इसी की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने विद्वान हैं कि वो कठिन से कठिन श्लोकों का अर्थ एक सरल सी सरल चौपाई पर ऐसे कर देते हैं, जिन अर्थों पर बड़े बड़े ज्ञानी घूम जाते हैं, उनको इतना सरल कर दिया तुलसीदास जी ने कि जंगल के कोल भील भी समझ रहे। इतना सरल अर्थ कर दिया। ऐसे महापुरुष तुलसीदास जी की ऐसी महाकृति को, रामचरितमानस को प्रणाम किया करो और उन चौपाइयों का अनुसरण किया करो। भगवान केवल निष्कपट भक्त को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान को पाने के लिए हमें कैसे होना है? निष्कपट बनना है। भागवत जी में बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। निगम कल्पितरोर गलितम फलम शुक मुखात मृत द्रव संयुतम। अच्छा, भागवत आपने सुना नहीं, सुनने का मन बस बन गया तो शुश्रूषुभिश्चक्षिणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भागवत की ये महिमा बता रहे हैं कि आपने आज विचार किया कि हमें भागवत में जाना है, आप गए नहीं और आप किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए, केवल मन बना लिया है कि भागवत सुनना है, तो भागवत ऐसी करुणामयी है कि उसी क्षण केवल संकल्प होते ही भगवान को हृदय में प्रकट करा देती है भागवत जी शुश्रूषुभिष्ट क्षणात्। ये भागवत कौन सी है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम, ये वेदों का पका हुआ फल है। अच्छा, वेद बड़े कठिन है, समझना संभव नहीं है, तो वेदों का फल भागवत जी है। आप भागवत समझ लेंगे तो 18 पुराण में 18वां पुराण है। भागवत सुन लेने से पूरे 18 पुराण सुनने का
चारों वेद सुनने का, स्मृतियों को सुनने का, वेदांत को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है केवल भागवत को श्रवण कर लेने से। सारे दर्शन श्रवण कर लो, आप दर्शन सुन लो, न्याय शास्त्र समझ लो, सांख्य समझ लो, सबको समझने के बाद यदि भागवत समझ में आ गई तो भागवत सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका रस इसमें है। जिसने भागवत समझ ली वो वेद पुराण सब कुछ समझ जाएगा, क्योंकि सबका निष्कर्ष भागवत है। इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी अवसर मिले तो भागवत जरूर सुनिएगा, बच्चों को भागवत जरूर सुनवाइएगा। भागवत जी का एक एक अक्षर कल्याणकारी है। आप लोग भी अपने घर में भागवत जी रखा करो, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो रोज दर्शन ही कर लिया करो। पुराणों के ग्रंथों, इनका नाम ग्रंथ है, इनको क्या कहते हैं, ग्रंथ। ग्रंथों के दर्शन मात्र से अंदर की ग्रंथियां खुल जाती हैं, काम क्रोध लोभ मोह की जो ग्रंथियां हैं, इनके दर्शन मात्र से। आप पढ़ सकें तो पढ़ लो, भागवत जी का अध्ययन करो, भागवत जी का श्लोक उनके अर्थ को पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, देखो ये हमारे सदग्रंथ हैं, पढ़ो पढ़ाओ, गीता पढ़ो पढ़ाओ, नहीं तो इनका दर्शन मात्र ही कर लिया करो, कल्याण हो जाएगा, है ना। कल्याण करने वाले ग्रंथ हैं ये, हम प्राणियों पर कृपा करने के लिए ये अवतरित हुए हैं। ये ग्रंथ भी किसी ने लिखे नहीं है, ये अनादि है। रामचरितमानस किसने लिखी है बोलो? नहीं, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, तो वाल्मीकि जी ने? ना, वाल्मीकि जी ने भी नहीं लिखी। वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है। चलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। शंकर जी ही रामचरितमानस के रचयिता हैं। फिर तुलसी जी आप कौन है? बोले हम तो प्रकाशक हैं। हम कौन है भाई? पुस्तक आपने लिखी और छपवा दिया, हमने, हम तो छापक हैं, प्रकाशक हैं। उसी प्रकार ये जो ग्रंथ हैं ये अनादि हैं। रामचरितमानस भी अनादि ग्रंथ है और भागवत अनादि है। इसे वेद व्यास जी ने लिखा है, लोग ऐसा जानते हैं, पर वेद व्यास जी ने लिखा नहीं है। ये पुराण तो तब भी थे जब राम जी का जन्म हुआ। राम जी अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयों रघुराई। जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए तो भगवान राम को वशिष्ठ जी ने पुराणों का अध्ययन भी कराया था। तो पुराण थे तब तो अध्ययन कराया, थे नहीं तो अध्ययन कैसे कराया। भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल पढ़ने गए सांदीपनी जी के यहाँ, तो भी वहां भगवान ने वेद पुराणों का अध्ययन किया, थे तब तो किया, थे नहीं तो किया कैसे। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो पुराण है, 18 पुराण और 4 वेद, ध्यान से सुनिएगा, 18 पुराण और 4 वेद, ये स्वयं भगवान से प्रकट होते हैं, नारायण से। भगवान की जैसे गर्मियों के टाइम पे आप चलते हैं गाड़ी पर, तो आपकी गाड़ी का एसी चलता रहता है कि नहीं, हाँ या ना, तो ठंडक बनी रहती है गाड़ी में। उसी प्रकार जब भी भगवान बैठते हैं लक्ष्मी जी के साथ, या भगवान यात्रा पर चलते हैं गरुण जी के साथ, तो भगवान हमेशा वेद और पुराणों को सुनते रहते हैं। भगवान इसी की हवा लेते रहते, इसी से ठंडक मिलती है उनको, उनकी ये एसी है। ये ठाकुर जी की श्वास ही वेद है, समझ रहे हैं। तो ये वेद और पुराण अनादि है। फिर ऋषि मुनि प्रकट भए, स्वयं भगवान नारायण ही वेद व्यास जी बनकर प्रकट भए, और जब देखा कि समाज को भी इन वेद पुराणों की जरूरत है, तब वेद व्यास जी ने, जो कि नित्य थे वेद और पुराण, उन्हें उन्होंने प्रकट कर दिया हमारे और आपके लिए, छपा दिया, प्रकाशित कर दिया।
समझ रहे हैं बात को? ये ग्रंथ हम सभी की ग्रंथियां खोलने वाले हैं। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने किया है। अच्छा, भागवत जी ना 24 अवतारों को पुष्ट करने वाली है। भागवत जी कोई सुने तो भागवत जी सुन लेगा तो 24 अवतार का प्रसंग मिल जाएगा। सारे अवतार भगवान के 24 अवतार हैं। एक भी अवतार में मन लग जाए, एक भी अवतार से प्रीति हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आप कहें महाराज जी भगवान को 24 रूपों में, अच्छा 24 तो लिखित में है और जो वैसे हैं वो अनगिनत। भगवान कितने अवतार लिए हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नरसी मेहता के लिए एक अवतार लिए थे गाड़ी सुधारने के लिए, वो अवतार का तो समूल लेख ही नहीं है। और कितने भक्तों के लिए भगवान ने अवतार लिए? सूरदास जी कुएं में गिर गए तो सूरदास जी को पकड़ने के लिए भगवान ने एक बालक का अवतार लिया। धन्ना जाट की गैया चराने के लिए भगवान ने जो अवतार लिया वो अलग है, वो 24 में तो है ही नहीं। मतलब भगवान के अवतार कितने हैं मेरी माँ? अनंत। हरि अनंत, हरि कथा। हमें तो लगता है कि आप लोगों के लिए भी भगवान ने एक अवतार लिया होगा। आपके जीवन में जब भी मुसीबत आती है, जब भी कष्ट आता है, उस कष्ट से, संकट से बचाने के लिए भगवान ही मदद करने वाले के रूप में अवतार लेके वही तो आपकी मदद करते हैं। हमें लगता है फला व्यक्ति ने मदद की, ना वो फला व्यक्ति नहीं था, उस व्यक्ति के रूप में मेरे श्याम सुंदर ही थे, पर हमें तो लगा कि वो सामान्य व्यक्ति है। पता नहीं भगवान किस रूप में आकर आपको राह बता दें। कितनी माताएं, कितने पुरुष ऐसे हैं जो कहते हैं महाराज जी हमने तो मरने का प्रण कर लिया था, पर कथा का एक शब्द कान में गया तो कथा ने जीवन बदल दिया। कौन था वो बदलने वाला? अरे भगवान ही उस शब्द के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर गए, पर भगवान ने आपके विचारों को बदल दिया। आपको जीवन प्रदान करने वाले भगवान ही तो थे, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं हम तो मरने वाले थे, आत्महत्या करने वाले थे, डिप्रेशन में चले गए थे, पर किसी ना किसी बहाने भगवान ने आपको डिप्रेशन से भी निकाल दिया और आत्महत्या से भी बचा लिया और आपको सारे दुखों से भी भगवान ने उबार दिया। कौन है ये? वही भगवान है। वह भगवान नारायण नारद हरि। भगवान ने पहला अवतार धारण किया सनकादियों का, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मचारी बन के ही रहे हैं, ये सदा जाप करते रहे हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं हरि शरणम। आप भी बस यही कहा करो, हरि शरणम 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 हरि शरणम। फिर भगवान ने दूसरा अवतार लिया है बाराह। बाराह बन के भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। तीसरा अवतार भगवान ने लिया है नारद जी के रूप में। नारद जी भगवान का प्रचार करने वाले हैं। नारायण नारायण जपते हैं कि नहीं? आप भी जपा करो, काम करते रहा करो और गाते रहा करो, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
उसका चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार भगवान का कपिल भगवान के कपिल बन के आ गए, कपिल देव जी बन के आ गए। क्या बन के आए? जिस जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था वह कपिल भगवान। सातवें रूप में भगवान, पांचवें रूप में कपिल देव जी, छठवें रूप में दत्तात्रेय जी बन के आए। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु थे मेरी मां? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24। किन किन को गुरु बनाया? पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा। पृथ्वी, वायु, आकाश, मापोग्निश, चंद्रमा, रवि, कपोतो, जगरह, सिंधु, पतंगो, मधुकृत, गजह, मधुहा, हरिणो, मीना, पिंगला, कुर्रोर, भकहा, कुमारी, शरकृत, सर्पा, ऊर्ण, नाभि, सुपेशकृत। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। किन किन को गुरु बनाया? पृथ्वी को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। अच्छा मैया जी, पृथ्वी को गुरु बनाकर क्या सीखा? पृथ्वी को गुरु बनाकर क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने? अच्छा पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, चलो आप बताओ। आप बैठे किसके ऊपर हो? पृथ्वी की गोद में, पृथ्वी माता की। तो पृथ्वी माता से हमें क्या सीखना है? पृथ्वी माता में कितना भी बड़ा गड्ढा कर दो, मलमूत्र का रोज त्याग करता है जीव, फिर भी वो माता नाराज नहीं होती, हम सबके अपराधों को माफ कर देती है। लोग पांव मारते हुए पृथ्वी पर नहीं चलना चाहिए। कदम रखो, एक कदम उठा के रखो, बड़ी सावधानी से। ऐसे कई लोग ना पांव घिसटाते हुए चलते हैं, वो पृथ्वी पर पृथ्वी को लात मारने जैसा है, वो अपराध है। पांव उठा उठा के रखना चाहिए, ऐसे नहीं घिसटाते हुए। मजबूरी है, तकलीफ है, तो विषय अलग है। पृथ्वी हमारी माता है और पृथ्वी सहनशीलता का उपदेश करती है। जितनी सहनशील पृथ्वी माता है, हमें और आपको पृथ्वी को गुरु बनाकर इतना ही सहनशील बन जाना चाहिए। यह पृथ्वी को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने सीखा। वायु को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने, और वायु को गुरु बनाकर, अच्छा वायु से आप क्या सीखते हैं? वायु से क्या सीखते हैं? जैसे वायु सर्वव्यापी है, ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी है। पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा, वायु सुगंध से गुजरती है और दुर्गंध से भी गुजरती है। मतलब आपका स्वभाव ऐसा हो कि आप अमीरों पर भी और गरीबों पर भी, बड़ों पर भी और छोटों पर भी समान दृष्टि रखें। दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा, वायु सुगंध दुर्गंध दोनों से गुजरती जरूर है, पर वो किसी को लेकर ज्यादा दूर चलती नहीं। सुगंध से चलेगी तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी, सुगंध को छोड़ के फिर वो आगे बढ़ जाएगी। आप सुख में रहो या दुख में रहो, ना सुख में आप फूलो ना दुख में आप रो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, विधाता की कृपा मानना चाहिए सुदामा की तरह। ये वायु को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने सीखा है। चौथा गुरु, तीसरा गुरु बनाया आकाश। जैसे आकाश, बताओ आकाश का अंत कहाँ है? आकाश का कोई अंत है? जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, जैसे आकाश ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आकाश ना हो। है कोई ऐसी जगह जहां आकाश ना हो? जैसे हर स्थान पर आकाश मौजूद है, उसी प्रकार हर जगह पर परमात्मा मौजूद है। ईश्वर की मौजूदगी की शिक्षा आकाश को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने ग्रहण की। चौथा गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने जल को। जल को गुरु बनाया, क्या सीखा? जैसे जल गर्म कर दो तो फिर अपना स्वभाव पकड़ लेगा, ठंडा हो जाएगा, और बर्फ बना दो तो फिर पिघल के अपने स्वभाव में स्थित हो जाएगा। जैसे जल कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है ना, उसी प्रकार प्राणी मात्र को अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। ये जल को गुरु बनाया। अग्नि को पांचवा गुरु बनाया। अग्नि से क्या सीखा? जैसे अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा,
अग्नि में कुछ भी डालो खत्म। ऐसे कोई आपको अपमान कर दे, कोई आपका सम्मान कर दे, दोनों को ही खत्म कर देना, क्योंकि गुण दोष दृश्य दोष दोनों ही बंधन है। आपकी अधिक जय जयकार होने लग जाए तो वो जय जयकार भी बंधन है, आप उलझ सकते हैं। जय जयकार सुनकर अहंकार आ सकता है, और कोई आपकी आलोचना करने लग जाए, निंदा करने लग जाए, तो आप वहां भी उलझ जाते हैं। हमें गाली दे दी, अब बदला लेंगे। लो, आप जा किस काम के लिए रहे थे, उलझ कहां गए? तो आपकी आपको गालियां देने वाले लोगों से भी आप ना उलझो, और आपकी स्तुति करने वालों से भी आप। आग जैसे सबको जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे मान और अपमान दोनों को आप जलाकर भस्म कर दें और एक परमात्मा की ओर बढ़ते रहें। हाँ, आग की लपटें जो हैं सदा ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, ऊपर की तरफ जाती है। आप थोड़ा सा पानी के किंचे मार दो, सिंचन कर दो, तो थोड़ी देर के लिए आग ठंडी, फिर वो। हाँ, आपका कोई अपमान करे सम्मान करे तो जैसे आग में पानी डालना वो अपमान और सम्मान समझो, घी डालना सम्मान है, पानी डालना अपमान है, ठीक है। पर वो दोनों स्थिति में ही वो अपने स्वभाव को तो नहीं छोड़ती ना, कि जलाना छोड़ देती है। उसी तरह जैसे वो ऊपर की तरफ उठना नहीं छोड़ती, उसी प्रकार आप सम्मान पा करके, अपमान पा करके, आप भगवान को प्राप्त करने का भाव ना छोड़िएगा। हर स्थिति में परमात्मा को पाने की एक इच्छा हो भक्त की, यह अग्नि को गुरु बनाकर सीखा गया है। इसलिए हमें मान अपमान में कभी नहीं उलझना चाहिए। आजकल लोग यही कहते, महाराज जी हमारा भी कोई सम्मान है, मानव सम्मान, हमारा भी कोई अपना सम्मान। अरे आग लगाओ सम्मान में, हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाई कि नहीं? आप भी अपनी पूंछ में आग लगाओ। आज सबसे ज्यादा झगड़ा पूंछ का ही होता, हमें पूछा नहीं। सास कहती है बहू ने नहीं पूछा, बहू कहती है सास ने नहीं पूछा, पड़ोसी कहता हमारा पड़ोसी पूछता नहीं है। एक सज्जन बोले हमारी पूंछ तो दिल्ली तक है, हनुमान जी की इतनी थी इनकी दिल्ली तक। पूंछ का सारे घरों में झगड़ा किसका है, किसका झगड़ा है? हमें पूछा नहीं। कई बार हम कथाओं में ना जल्दी जल्दी में किसी किसी का नाम लेना भूल जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं गुरु जी हमारा नाम नहीं लिया, हमें पूछा नहीं आपने हमें। हम फिर कहते हैं कि देखो जितना जल्दी हो सके इस पूंछ में आग लगवाओ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में क्या की, आग लगवाई, पूंछ बुझाई, खोई श्रम धरी लग रूप बहोरी, पर जनक सदा के आगे ठाण भयो कर। मेरी माँ, आप लोग भी अपने अहंकार की पूंछ में आग लगा दो। बहु सम्मान करे तो खुश रहो और अपमान करे तो खुश रहो। आप ना ये जो सम्मान पाने की जो लालसा है भीतर, यही तो मिटानी है। भागवत जी में कथा है कि ब्राह्मण की आखिरी में, वो बड़ा कंजूस ब्राह्मण था, खूब पैसा इकट्ठा किया। अब पत्नी परेश, इतना पैसा इकट्ठा किया कि पत्नी एक साड़ी को 2 साल तक पहनती। पत्नी बोले साड़ी दिला दो। अरे साड़ियों में पैसा खर्च कर रहे, देख हमारे पास तिजोरी में भरा। अच्छा वो तिजोरी खुल के बैठा रहता, देखता रहता, हाँ कितना सारा कितना सारा। और पत्नी मांगे साड़ी के लिए दो तो बिल्कुल ना दे। और बच्चे मांगे कि हमें भी कपड़े पहनने हैं और हमें आज रबड़ी खानी है, अरे रबड़ी खाएगा, रोटी खा, रबड़ी खाएगा, महंगी है। और वो तिजोरी खोल के बस देखता रहता, पैसा पैसा पैसा। तब उसके बेटे ने और उसकी पत्नी ने जो अपमान किया, अरे निठल्ले बैठे बैठे हो घर में, पैसे जोड़ के बांध के ले जाओगे। उसे बड़ा मोह था पैसों से, पत्नी से, पुत्र से। पर जब पत्नी ने पुत्र ने जब उसका अपमान किया तो उसके अंदर ऐसा वैराग्य हुआ मेरी माँ कि उसने सारा धन छोड़ दिया, पत्नी पुत्र का त्याग कर दिया। राम राम ये सब व्यर्थ है। और फिर वो प्रायश्चित करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए निकला। भागवत जी में लिखा है कि जब वो गांव में चलता ना तो गांव के लोग उसे कंजूस कंजूस कह के चिढ़ाते और कई बार तो उसकी तरफ मल मूत्र फेंक देते। उसका इतना अपमान किया
कि वो कहीं बैठ जाता और सोने लगता ना, तो छोटे छोटे बच्चे जाके उसके मुंह में सुसू कर देते। परंतु वो व्यक्ति कैसा था जानते हो? पहले तो एक नंबर का कंजूस था, पर जब भगवान से प्रेम हुआ तो उसको समझ आ गया कि मेरी कंजूसी मुझे नरक ले जाएगी, ना मैंने इसे धन का दान किया, सारा धन जीवन भर जोड़ा, अंत में मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने कब्जा करके मुझे घर से निकाल दिया। अब वो सोचा मैं घोर नरक में जाऊंगा, कैसे बचूं कैसे बचूं। तो उसने अपना मन भगवान में लगा दिया, हे नाथ मेरी गति करो, मेरा कल्याण करो। अब वो भगवान में जब मन लगाया तो लोग उसको अपमानित करते, तो वो अपमान के बदले कोई जवाब नहीं देता, उसके मुंह में उसके मुख में कोई मलमूत्र फेंक देता तो उसके बदले किसी से झगड़ा नहीं करता। याद रखना मेरी माँ, कंचन तजना सहज है, ध्यान से सुनना, कंचन मतलब सोना, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पत्नी का त्याग भी सहज है, समझना। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई जे तजे, तजना कहिए ये है। पत्नी का त्याग करना फिर भी सरल है, सोना चांदी का त्याग करना सरल नहीं है, फिर भी मान लो सरल है, पर मान बढ़ाई। आज मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो सब का त्याग करके वृंदावन आ तो गए, त्यागी बाबा बन तो गए, पर त्यागी बनने के बाद भी त्याग का अहंकार रखा है। महाराज जी हम करोड़पति थे, हमने सब त्याग दिया है, त्याग तो दिया है, पर मैं करोड़पति था कभी, ये अहंकार क्या त्यागा तुमने? यदि त्याग दिया होता ये अहंकार, तो फिर ये कहते क्यों कि मैं करोड़पति था? यही त्याग पाना बहुत कठिन है मेरी माँ, यही यह मान बड़ाई त्याग पाना बड़ा कठिन है। आज लोग बात बात का बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारे सम्मान पर ठेस लग गई। सम्मान पर क्या लग गई? ठेस लग गई। अरे इतना सम्मान, ये सम्मान की जो लालसा है व्यक्ति की, वो सम्मान की लालसा व्यक्ति को अंधा कर देती है। इतना सम्मान सम्मान सम्मान, सारे लोग यही चाहते हैं हमारा सम्मान हो, सम्मान सम्मान, सारी दुनिया मर रही है सम्मान के लिए। क्या करोगे सम्मान पाकर? अरे सम्मान पाकर क्या करोगे? पाना है तो भगवान को पाओ, भगवान को पाओगे तो सम्मान अपने आप मिल जाएगा, पर भगवान नहीं मिले तो क्या करोगे सम्मान का? अग्नि को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने, फिर चंद्रमा को गुरु, सूर्य को गुरु, कबूतर को, ऐसे 24 गुरु बनाए। भगवान के सातवें अवतार में यज्ञ भगवान भए हैं, आठवें अवतार में भगवान ऋषभ देव जी हुए हैं, जिनकी कथा हम आपको सुनाएंगे। भगवान नारायण का दसवां अवतार मत्स्य अर्थात मछली बन के आए हैं, भगवान मत्स्य बने हैं। ये मछली इत्यादि भी ना खाया करो, ये भगवान का ही स्वरूप है। हाँ ठाकुर जी ही जीव मात्र में समाये हैं। 11वें अवतार में भगवान कच्छप बन के आए। समुद्र में लहरें क्यों उठती हैं बताओ? मैया जी, ओ मेरी माँ, नींद आए तो बता देना, लोरी भी सुना देंगे आपको। कच्छप भगवान जब समुद्र मंथन हुआ तो कच्छप भगवान ने पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, और कच्छप भगवान जब सांस अंदर की तरफ भरते ऐसे, तो सारा समुद्र खिंचकर उनकी तरफ आ जाता, और जब कच्छप भगवान अपनी सांस छोड़ते तो सारा समुद्र बाहर आ जाता। तो तब से ही समुद्र में लहरों के आने और जाने का कार्यक्रम चालू हो गया। समुद्र पर लहरें क्यों उठती हैं? आप खड़े हैं, अचानक लहर आई,
और फिर चली गई। मतलब श्वास आपने अंदर भरी फिर छोड़ दी। कक्षप भगवान ने जब समुद्र मंथन के टाइम पे कक्षप अवतार लिया था तब भगवान ने श्वास इतने विशाल थे भगवान कि पूरे समुद्र में लहरें उठने लग गईं। हाँ जी वो भगवान है। तो भगवान कक्षप बनकर आए और पर्वत को पीठ में रखा। धनवंतरी बनकर आए भगवान, बारहवें अवतार में अमृत लेकर के प्रकट भए थे धनवंतरी भगवान। मोहिनी भगवान, एक बार स्त्रियां भगवान से नाराज हो गई, सारी महिलाओं ने धरना प्रदर्शन दे दिया। भगवान 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 बोले क्या है? बोले आप जब आते हो पुरुष ही पुरुष बनकर आते हो, कभी स्त्री बनो तो जाने स्त्री का दर्द। अच्छा स्त्रियां पति से कहा करती ना कभी स्त्री बनो तो जानो हम स्त्रियों का दर्द। भगवान बोले चलो आज तुम्हारी खुशी के लिए हम स्त्री बन लेते हैं। तब भगवान मोहिनी बनकर आए और ऐसे बन के आए कि सारे देवी और देव सारे दैत्य लट्टू हो गए। इतने सुंदर भगवान, वाह भगवान अमृत का कलश लेके पायल बांध के छम छम नाच रहे हैं। देवताओं से दैत्यों ने अमृत छीन लिया था जो धनवंतरी भगवान अमृत समुद्र मंथन में लेकर प्रकट हुए। अब दैत्य देने को तैयार नहीं। दैत्य बोले हम पिएंगे, और दैत्य लोग अमृत पीकर अमर होते तो वो सदा जीव मात्र पर अत्याचार करते। तब भगवान को मोहिनी बन के आना पड़ा और अपने तिरछी चितवन से भगवान ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब मोहिनी बन के आए भगवान। दैत्य बोले ये सुंदरी कन्या कौन है? मोहिनी भगवान बोले हम तुम्हारे से विवाह करने आए हैं, तुम में से देख लें कि तुम में से बढ़िया कौन है हमारे योग। तो एक निकल के आया हम तुम्हारे योग, बाजी वाला बोला चल पीछे तो योग है, हम योग्य हैं, हम तेरे से सीनियर हैं, हम विवाह करेंगे। तो मोहिनी भगवान बोले पहले आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। देखो भगवान भी जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अमृत भले दैत्यों के हाथ में आ गया पर जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक उसे कोई पी नहीं सकता। इसका सीधा अर्थ ये है कि हमारे हाथ में यदि एक रोटी है, भले हमारे हाथ में है परंतु वो रोटी यदि हमारे भाग्य की नहीं है तो भले हमारे हाथ में है वो हमारे हाथ से उठकर कहीं और चली। एक मुझे घटना याद आ गई, मैंने बचपन में सुना था ये दृष्टांत, सुनाता हूं। एक राजा था, उस राजा के पास एक मक्के का दाना था, एक मक्के का दाना हाथ में था और राजा ने अपने ज्योतिषी पंडित से पूछा कि बताओ पंडित जी इस दाने पर किसका नाम लिखा है, क्योंकि लिखा है दाने दाने पर खाने वाले का नाम। तो राजा ने पंडित जी से कहा बताओ इस दाने पर किसका नाम लिखा है। तो राजा को कबूतर पालने का बड़ा शौक था, तो राजा के दरबार में वही कबूतर बड़े खुले में घूमा करते थे। तो पंडित जी ने कह दिया इस दाने पर उस कबूतर का नाम लिखा है। पंडित जी भी बड़े पावरफुल ज्योतिषी थे और देख के गड़ के बता दिया इस दाने में कबूतर का नाम लिखा। अब राजा बड़ा हंसा, पंडित जी आप पागल हो गए हैं, ये दाना मेरे हाथ में है और तुमने बताया कबूतर का नाम लिखा है, अब इसे मैं खाऊंगा तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी। राजा ने मुंह में रख लिया और मुंह में रख के हंसता जा रहा तुम्हारी बात झूठी हो गई। तभी वो दाना आप खाते खाते हंसेंगे तो गला क्या हुआ, राजा के वो दाना जाकर यहां गले में फंस गया। अब फंसा तो लगा पानी मांगने, अब पानी तो नहीं आया, तब तक छींक आ गई और छींक आई तो दाना नाक से निकला और दूर गिरा, प्रेशर से दूर गिरा। कबूतर ने दाना को देखा, झट से आकर कबूतर ने उठाकर खा लिया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, किसी के नाम का दाना आपने खा भी लिया है तो वो किसी ना किसी अंग से निकल ही जाएगा। इसलिए परमात्मा जो आपको दे रहे हैं, भगवान
सब कुछ करने वाले हैं, वह ही निश्चित करते हैं। इसलिए अपने मन की ना किया करो, जो भगवान कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा हो, और जो होगा, हाँ आप तो आनंद से अपना जियो, बस अपना जियो और अपना मरो। ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब तक जिंदगी सो जियो, जब मौत आए सो हंसते हंसते मरना। अरे तुम्हारे वश में कुछ होता तो तुम कर लेते, हमारे वश में कुछ होता तो हम कर लेते। बताओ आपके वश में क्या था? क्या आप और हम में से किसी ने सोचा था कि कोरोना काल में लॉकडाउन में सारा भारत बंद होगा? सोचा था किसी ने? किसी ने सोचा था कि ट्रेनें भी बंद होंगी? किसी ने सोचा था कि प्लेनें भी बंद होंगी? किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया बंद होगी? किसी ने कल्पना की थी? किसी ने नहीं की, पर हुआ। इसका मतलब यह है कि आपके और हमारे सोचने से, आपके और हमारे चाहने से होता क्या है? व्यक्ति जबरदस्ती टेंशन लेता है, जबरदस्ती सोच सोच के मरा जा रहा है, मरा जा रखा है। सोच रहे हो भैया, जो होना हुई है सोई जो राम रची रखा, को करी तर्क बड़ा वही साथ। होगा जो भगवान को मंजूर होगा। तुम अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, तुम अपना कर्म मेहनत से करते रहो, आगे जो होगा वो परमात्मा जानते हैं क्या होगा, उन पर छोड़ो आप कल की इतनी चिंता ना किया करो। आप तो प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में जियो आनंद से। सामने रोटी आए तो बढ़िया खा लो, मेहनत करो, काम करो, खेती करो, व्यापार करो, पैसे खूब कमाओ, पर ईमानदारी में कर्म कर, फल की इच्छा ना करो। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। मोहिनी भगवान स्त्री बनकर आए इसलिए ताकि स्त्रियां प्रसन्न हो जाएं। हाँ, स्त्रियां प्रसन्न क्यों हो जाएं? क्योंकि स्त्रियां नाराज थीं कि भगवान आप तो राम बन के आए, कृष्ण इस पुरुष ही पुरुष बन के आए, हमारी फीलिंग भी तो समझो। अब भगवान मोहिनी बन के आए, और मोहिनी बनकर इन स्त्रियों को, आप स्त्रियों का मन यदि राम में ना लगे, यदि कृष्ण में ना लगे, तो चलो मोहिनी में लगा लेना। अच्छा, मोहिनी भगवान बन के इसलिए आए कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनका मन भगवान में नहीं लगता, वो स्त्रियों में ही मन लगाते हैं। तो भगवान बोले, फिर तुम्हारे लिए हम स्त्री बन जाते हैं। तुम स्त्रियों में मन तो लगाना, पर सांसारिक स्त्रियों में ना लगाना। हम तुम्हारे लिए स्त्री का अवतार ले रहे हैं, तुम हम में मन लगा लेना। तो हम में मन लगाने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान मोहिनी स्त्री बनकर आए इसलिए ताकि कामियों का मन भगवान रूपी स्त्री में लगा रहे, सामान्य स्त्रियों में मन ना लगाएं, जो परमात्मा स्त्री रूप में है, जो मोहिनी भगवान का। भागवत जी में मोहिनी भगवान का बढ़िया चरित्र भी है, कैसे हैं भगवान, उनकी आंखें कैसी हैं। इतनी सुंदरता है मोहिनी भगवान की कि शंकर जी ने भी एक बार विचार किया था कि प्रभु आप अपना मोहिनी रूप दिखाओ। 1 करोड़ अप्सराएं, 1 करोड़ स्वर्ग की अप्सराएं भी एक हो जाए, 1 करोड़ अप्सराओं की सुंदरता एक में डाल दी जाए, तो वह एक अप्सरा भी भगवान के, मोहिनी भगवान के पांव के जितने भी सुंदर, चरण के जितने भी सुंदर नहीं बनेगी, इतनी सुंदर मोहिनी भगवान बने। भगवान मोहिनी बन के आए हम सबको मोहित करने के लिए। जो जिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं ना, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे हो मोहि राम। जैसे कामियों को स्त्री प्रिय लगती है, स्त्री उन्हीं को प्रिय लगती है जो कामी है, धन उन्हीं को प्रिय लगता है जो लोभी है, और भगवान उन्हीं को प्रिय लगते हैं जो भक्त हैं। तो जो कामी को स्त्री प्रिय लगती है, तो भगवान स्त्री बनकर आ गए कि तुमको मैं प्रिय लग जाऊं तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान ये सोचते हैं कि बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति भी मेरे में ही मन लगाए। भगवान ये कभी नहीं सोचते कि आप 84 के चक्कर में ही उलझे रहे। भगवान तो आपका कल्याण चाहते हैं, पर फिर भी जीवात्मा भगवान में मन ना लगाए तो भगवान का क्या दोष है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु
के बारे में जब सुना पढ़ा तो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शराबियों के बीच में जाकर शराब पीने वालों के पांव पकड़ पकड़ के कहते थे, भैया एक बार हरे राम कह दो, भैया एक बार हरे कृष्ण कह दो। और जब पांव पकड़कर निवेदन करते तो वो उनके चेले उनके शिष्य कहते, चैतन्य महाप्रभु जी आप इतने विद्वान हैं, स्वयं भगवान के अवतार हैं, आप इन दुष्टों के पांव क्यों पकड़ते हैं, ये तो शराबी हैं। कई बार तो शराबी मुंह पर शराब भर के उनके मुख में कुल्ला कर देते थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु पांव नहीं छोड़ते थे, कहते थे तुम एक बार हरे कृष्ण कह दो, एक बार हरे राम कह दो। अरे क्यों क्यों अपने आप को जलील कर रहे हैं, क्यों कहवा रहे हैं इन दुष्टों से। तब चैतन्य महाप्रभु रोते हुए बोले, तुम नहीं जानते बेटा, ये 84 के चक्कर में उलझे प्राणी हैं, यदि इनके मुख से धोखे से भी एक बार हरे राम हरे कृष्ण निकल गया तो ये बच जाएंगे 84 में पिसने से, इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। एक नाम आग की एक चिंगारी सारे जंगल को जलाती है, उसी प्रकार भगवान का राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे, एक बार दशरथ कहे, कार चाहे दसों इंद्रियों को साध कर एक बार कहे। राजू हावा जितेंद्रिय, एक बार जो भगवान का स्मरण कर ले उस प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी, उल्टा नाम जपत जग जान बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा था बाल्मीक जी ने, मरा मरा राम का उल्टा क्या हुआ, मरा 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 मरा, उल्टा जपा तो कल्याण हो गया, सीधा जपने वाले का कितना कल्याण होगा। बंदर भालुओं ने नाम जपा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। जिनके प्रताप से एक बंदर छलांग लगा के समुद्र को पार कर लेता है, किनके बल से, जिनके बल से एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेता है, हम भी उसी नाम के बल पर भवसागर को पार कर जाएंगे। इस विश्वास से भगवान का नाम जपा करिए तो भगवान के अवतारों में 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह भगवान क्यों आए थे, किसके लिए आए थे, प्रहलाद जी। 15वां अवतार बावन भगवान, बावन बन के आए छोटे से, किसके लिए बने थे बावन, हाँ मैया, किसके लिए बने थे बावन भगवान, किसके लिए अवतार लिया था मैया, बताओ आप आगे बैठी हो, आप बताओ मैया, आप बताओ, वो भी पड़ोसन से पूछ के बताओ। आप लोग अपने बच्चों को नरसिंह भगवान की, बामन भगवान की, राम जी की, कृष्ण जी की कथाएं कहानी के रूप में सुनाया करो, रात को सोते समय कहानी बच्चों को सुनाया करो, कथाओं को इसी यही संस्कार है। भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी, 17वें अवतार में व्यास जी, 18वें अवतार में भगवान राम बनकर आए, फिर बलराम जी 19वें अवतार में, 20वें अवतार में भगवान कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्धा अवतार, 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में हंस अवतार और 24वां अवतार कल्कि अवतार होगा। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल्कि अवतार होगा। ये भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 में से एक भी अवतार का कोई सोते समय चिंतन कर ले, जागने के बाद जब सोने को जाया करो ना तो भगवान का चिंतन किया करो, हे मोहिनी भगवान आपको प्रणाम करते हैं, हे कपिल भगवान आपको प्रणाम करते हैं, हे प्रभु राम मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। सब भगवान का जितना याद है उतने स्मरण करके फिर सो जाओ, जागो तो फिर भगवान का स्मरण करो, ऐसे करना चाहिए। और व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना कर चुके थे, बड़ा मन उदास था, असंतुष्ट थे, तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, महाराज आप उदास क्यों हैं, महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति का अनुभव नहीं,
शांति कैसे मिलेगी? तब कहा, आपने अभी तक भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र, बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसलिए आपके चित्त में अभी शांति नहीं है। व्यास जी ने कहा, मैं किस आधार पर लिखूं? तब नारद जी ने कहा, मैं आपको चार श्लोक प्रदान करता हूं। देखो, वो व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार थे, उन्हें सब पता था, पर फिर भी गुरु परंपरा को निभाना था, गुरु परंपरा के संबंध को निभाना था। राम तो सबके गुरु हैं, फिर भी उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। कृष्ण जी तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु हैं, फिर भी उन्होंने गर्गाचार्य जी को गुरु बनाया। क्यों? ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि गुरु परंपराओं का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो अनादि काल से गुरु परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं परंपराओं से हमें जुड़कर अपना कल्याण करना चाहिए। गुरु परंपरा का निर्वहन किया है। आज नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का सुंदर ज्ञान व्यास जी महाराज को प्रदान किया। नारद जी कहते हैं, इस आधार पर भागवत जी के अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत्परम्, ऐसे चार श्लोकों के बल पर इन्होंने व्यास जी ने, व्यास जी मतलब विस्तार, व्यास कहते हैं विस्तार को, जो वेदों का विस्तार करें, जो पुराणों का विस्तार करें, उन्हें व्यास कहते हैं, वेद व्यास जी। हाँ, तो व्यास जी विस्तार कर दिए, चार श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। चार श्लोकों से 18 क्यों बना दिए? क्योंकि चार श्लोक आपकी समझ में नहीं आते, तो व्याख्या कर दी 18,000 श्लोकों की। नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, पर भगवत कृपा से मैं ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा जी, नारद जी दासी पुत्र क्यों बने? चर्चा ऐसी है कि ब्रह्मा जी से नारद जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि आप जाओ और सृष्टि उत्पन्न करो, विवाह कर लो और सृष्टि उत्पन्न करो, बच्चे हो, परिवार हो। नारद जी बोले, पिताजी मुझे ये चक्कर में ना फंसाओ शादी विवाह के, नहीं तो आजकल लोग फंसते तो हैं, उलझते तो हैं, पर सुलझ नहीं पाते। विवाह करने के पहले सोच लेना, ऐसी नहीं विवाह कर लेना, विवाह करने के पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए कि पत्नी गाली देगी तो हम सहन कर पाएंगे कि नहीं, और पति गाली देगा तो हम सहन कर पाएंगे, तुम में कितनी क्षमता है। पहले अपने आप को कसौटी में कस लो, शादी के पहले देख लो पत्नी की कितनी गाली तुम सहन कर सकते हो, पति की कितनी गालियां, दो चार थप्पड़ खाने के लिए भी गालों को थोड़ा मजबूत कर ला एलोवेरा लगा के। हाँ, क्योंकि कई बार पति टेढ़े मिल जाते हैं और कई बार पत्नियां टेढ़ी मिल जाती हैं, तो अपने आप को बिल्कुल हर समय के लिए मजबूत कर लो। पत्नी की गालियां सह सकते हो तो शादी कर लेना, और पति की गालियां और पति का थप्पड़ सह सकते हो तो शादियां कर लेना, और यदि सहन नहीं कर सकते तो साहब शादी ना करना, नहीं तो फिर साल भर के अंदर कागज लिए घूमोगी, भैया तलाक कहां करवाना। क्योंकि सहनशीलता है तो रिश्ते हैं, सहनशीलता नहीं तो रिश्ते भी। इसलिए आज का व्यक्ति तो सहनशील, तितिक्षा वह कारुणिका, हमारे ग्रंथ तो हमें सहनशील ही बनाते हैं, सहनशील होना चाहिए। भक्त तुकाराम जी की पत्नी कैसी थी? तुकाराम जी की पत्नी तुकाराम जी को दो दो डंडे कभी कभी जमा देती थी। एक दिन तुकाराम जी से कहा, जाओ कुछ कमा के लाओ, निठल्लों की तरह बैठे हो घर में, ऐसी कहती थी पति से। अब पति जी बड़े प्रसन्न रहते, वाह मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। गए गांव में, गन्ना कट रहा था, तो गन्ने कट रहे थे तो तुकाराम जी ने भी, चलो भाई मदद करूं? हाँ हाँ करो। तुकाराम जी ने भी गन्ने कटवाए तो तुकाराम जी को खेत के मालिक ने 4-6 गन्ने के डंडे दे दिए, जाओ आप भी इसका रस लेना। तुकाराम जी चले 4-6 गन्ने के डंडे लेकर, गोपाल जी, लो राधा रानी जी, सबको बांट दिया, एक लाठी बची, लेकर पहुंचे पत्नी के सामने। पत्नी को लगा लाठी लेके आया है मारने को,
अच्छा भेजा था कमाने के लिए, तुम लाठी लेके आयो और छोड़ा कर दिया पीठ में दो, तो गन्ने का डंडा टूट गया, बीच से एक था दो हो गए। तो काराम जी मुस्कुराने लगे, सुनो अभी एक था, हम रास्ते पर यही सोच रहे थे कि रस चूसने वाले दो हैं और हम डंडा एक लेके जा रहे हैं, अब तुमने हमारी पीठ से दो कर दिया है तो एक का रस तुम ले लो, एक का रस हम चूस लेते। ऐसी प्रतिकूल पत्नी थी तो भी तुकाराम जी खुश रहते थे। अच्छा तुकाराम जी के लोग, उनके चाहने वाले पूछते थे धीरे से, क्यों आप भगवान से क्यों नहीं शिकायत करते, भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भगत हूं, तुमने पत्नी ऐसी दी। तुकाराम जी बोले, राम राम भगवान का धन्यवाद जो ऐसी पत्नी दी। क्यों? अरे अच्छी पत्नी होती तो हम पत्नी में ही मस्त रहते, ऐसी है तो कम से कम मन भगवान में लगा रहता है, हमारी पत्नी भी हमारे भजन में सहायक है, हमारी पत्नी हमारे भजन में सहायक है। तो जो पुरुष विषम परिस्थिति में भी ऐसी बातें करे, तो शादी के पहले क्या होनी चाहिए मेरी माँ? सहनशीलता। नारद जी से कहा, ब्रह्मा जी ने विवाह कर लो, नारद जी बोले, सुनो ब्रह्मा जी हम रो ना पाएंगे। अच्छा शादी करने के बाद रोना भी पड़ता है? हाँ भाई ही कर रहे हैं, आप नहीं रो रहे हैं क्या? रोना पड़ता है? भगवान राम रो रहे हैं, सीता रावण ले गया ना, तो राम जी रो रहे हैं कि नहीं? देखो भगवान को भी रोना पड़ा है, तो फिर आप और हम सामान्य प्राणी भला बचेंगे क्या? राम जी रो रहे हैं, सीता कहाँ चली गई। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी रो रहे हैं, सीता सीता सीता, पीपल तुमने देखा, एक खग तुमने देखा, ए मृग तुमने देखा। राम जी रो रहे हैं, बड़े बड़े आंसू गिर रहे हैं राम जी। अच्छा राम जी को रोता हुआ देखकर संत लोग पूछे, राम जी क्या हुआ, अब तो हमारे भगवान है, आपको क्या? बोले हमारी पत्नी कोई लेके चला गया। साधु बोले, अच्छा तो पत्नियां भी चोरी हो जाती हैं क्या? हाँ हो जाती है, हमारी पत्नी चोरी हो गई, राम जी कह रहे हैं। साधु बोले, राम 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 राम, हम तो अपना भी विचार कर रहे थे कि हम भी एक पत्नी रख लें। साधु बोले, हमने भी पत्थर की एक बनाई थी और बस विचार था कि आपसे चरण रखवा लेंगे तो वो नारी हो जाएगी और फिर हमारा भी घर बस जाएगा, जंगल में अकेले पड़े रहते हैं, एक से भले दो और दो से भले तीन। राम जी बोले, ना शादी का विचार बिल्कुल कैंसिल कर दो। क्यों? अरे शादी, अच्छा कर लो शादी, फिर हमारी तरह रो सकोगे? बाबा नहीं प्रभु, हम आपके रो नहीं सकते। तो राम जी बोले, शादी के बाद तो रोना पड़ता है, यदि रोने के लिए पीठ तैयार है, रोने के लिए आंखें तैयार हैं और पीठ मजबूत है तो शादी करो, तैयारी नहीं है तो शादी ना कर लेना। इसलिए जो शादी जिनकी अभी फरवरी में होने वाली है और मार्च और अप्रैल में भी जो सोच रहे हैं शादी की, वो जरा विचार कर लें, तुम सह पाओगे कि नहीं? अपमान भी सहना पड़ता है, गालियां भी सुननी पड़ती हैं, जब सब प्रकार से सहनशीलता आ जाए तो विवाह कर लेना चाहिए। गृहस्थी बसाना बड़ी बात नहीं है, गृहस्थी को निभाना बड़ी बात है। निभाने के संस्कार आ जाए तो विवाह अच्छी बात है, और निभाने के संस्कार ना आए तो गृहस्थी बसाने से, अब टूटनी ही है तो टूटने से अच्छा बसाओ ही मत। इसलिए गृहस्थी निभाना पहले सिखाओ बच्चों को,
आप भी अपने माता पिता अपने बच्चों को गृहस्थी निभाने की भी शिक्षा और संस्कार दिया करो, क्योंकि बसा लेना बड़ी बात नहीं है, शादी विवाह कर लेना बड़ी बात नहीं है, उन रिश्तों को निभा पाना बड़ी बात है, उन रिश्तों के बंधन में बंध के जीवन भर रह पाना बड़ी बात है। हाँ जी, इसलिए बच्चों को पुराने लोग तो रह लेते थे, परंतु आज के लोग नहीं रह पाते। नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी विवाह कर लो, नारद जी बोले कैसे पिता हो, हमारा नाश करना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले क्यों, शादी करो, पिता की आज्ञा है। नारद जी बोले हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तब नारद जी पर गुस्सा होके ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पिता की आज्ञा नहीं मानते, जाओ शूद्र हो जाओ। तब नारद जी ब्रह्मा की आज्ञा से शूद्र हो गए। पर ब्रह्मा जी को फिर नारद जी ने भी श्राप दे दिया, आपने पिता होकर के अपने बच्चे के साथ न्याय नहीं किया, जाओ मैं श्राप देता हूं, इस कल्प में आपकी पूजा नहीं होगी। तीन कल्प होते हैं, ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। इन तीन कल्पों में से जो श्वेत बाराह कल्प है, जो वर्तमान में चल रहा, इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें नारद जी ने श्राप दे रखा, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होती है, बस कहीं पूजा नहीं है ब्रह्मा जी की, क्योंकि नारद जी ने श्राप। नारायण की पूजा है, राम की पूजा है, कृष्ण की पूजा है, सबकी, देवी देवताओं की, गणेश जी शंकर जी सबकी पूजा है, पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, कोई नहीं करता, क्योंकि नारद जी का श्राप है। वह नारद जी दासी पुत्र बनकर आए, उनके गांव में कुछ साधु संत आए और नारद जी खूब साधु संतों की सेवा करते, खूब मन लगाकर सेवा वंदना करते। एक दिन क्या हुआ, संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा हमें मंत्र दे दो, तो नारद जी को संतों ने अष्टाक्षर मंत्र दे दिया, नारद जी को जोड़ दिया, राम नारद जी को जोड़ दिया, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगे नारद जी। अब नारद जी जाप करने लगे, संत जाने लगे, तो नारद जी बोले हमें भी ले चलो, संत बोले चलो। नारद जी जाने लगे तो उनकी माता ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। नारद जी रुके हैं, एक दिन उनकी माता को सांप ने डस लिया, नारद जी की माता मर गई। तब नारद जी जंगल गए, माता का पूरा संस्कार विधि विधान से करके और पूरा जीवन वही मंत्र जाप किया जिस मंत्र को उन्होंने अपने गुरुजनों से पाया है। जब गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ मंत्र, उस मंत्र पर श्रद्धा रखकर विश्वास भाव से उसका जाप करेंगे, तो नारद जी कहते हैं मैंने जाप किया तो दासी पुत्र से मुझे भगवान ने फिर ब्रह्मा का पुत्र बना दिया और अब मैं भगवान का ऐसा भक्त हूं कि जब चाहूं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। मृत्यु लोक आना चाहे नारद जी तुरंत मृत्यु लोक आ जाएं, ब्रह्म लोक जाना चाहे तुरंत ब्रह्म लोक चले जाएं, जहां नारद जी जाना चाहे वहां जा सकते हैं। ये नारद जी सब जगह जाने आने की ताकत रखते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान से कहा करो प्रभु हमें भी देना है तो जन्म जन्म का साथ दे दीजिए। मेरे सिर पर प्रभु अपनी करुणा की कृपा के दोनों हाथ रख दीजिए और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ उठाइए,
हाथ उठाइए और भगवान से कहिए, प्रभु आपका साथ यदि आप देना चाहें तो मुझे एक जन्म के लिए नहीं, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, 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 अपने से रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रस्ता रोशन कर दे, मेरा रस्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। इसलिए भगवान का साथ बना रहे, भगवान की स्मृति बनी रहे, स्मरण बना रहे, यही प्रार्थना करनी चाहिए। अब नारद जी का चरित्र पूरा हुआ। व्यास जी ने 17 पुराण के बाद भागवत जी लिखी। भागवत को कहां से प्रारंभ किया? महाभारत के युद्ध से। महाभारत में 99 कौरव मारे जा चुके थे, एक दुर्योधन बाकी था। दुर्योधन जब मरने लगे तो उनके मित्र गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और आपने कहा कि मित्र बताओ आपकी क्या इच्छा है। अश्वत्थामा के वचन सुनकर कहने लगे दुर्योधन कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं, बस। पांडवों से बहुत नफरत थी, पांडवों से बहुत नफरत थी, कौरवों को, खासकर दुर्योधन को। अच्छा, नफरत हमें अंदर नहीं रखनी चाहिए कि रखनी चाहिए? हमें किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी चाहिए। क्या करेंगे हम आपके बारे में नफरत रख के? क्या होगा इससे? हमारा क्या फायदा बताओ? फिर क्यों नफरत? क्यों नफरत मत रखो किसी के प्रति, कोई नफरत ना हो। सदा भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब पर आपकी कृपा रहे, ऐसी प्रार्थना करो। केवल मैं सुखी रहूं बस, केवल मैं धनवान बनूं बस, ना। हे नाथ, सबको धनवान बनाओ,
हे नाथ सबको बलवान बनाओ, हे नाथ सबको निरोगी बनाओ। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, सब निरोगी रहें। राजा रंती देव ने भूखे 48 दिन तक भूखे रहकर जब अंत में रोटी मिली तो राजा रंती देव ने अपनी रोटियों को, 48 दिन की भूख थी, शरीर बिल्कुल सूख गया था, कितनी भूख रही होगी उस व्यक्ति में। पर जब रोटी आई तो पहले उन्होंने खुद नहीं पाया, उन्होंने देखा कि मेरे आसपास कोई भूखा तो नहीं है। विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और एक चांडाल दिख गया। चांडाल ने कहा भैया भूख लगी है, तो रंती देव ने अपनी थाली खिसका दी, आप खा लीजिए। उन्होंने पानी पी लिया बस, और जब पानी पिया तो भगवान से कहा विधाता आपका धन्यवाद कि कम से कम आपकी कृपा से आज पानी तो मिला। उन रंती देव के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, वाह ऐसी अतिथि की सेवा और ऐसा अन्न दान तुम्हारी तरह आज तक किसी ने नहीं दिया। बोलो रंती देव तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने रंती देव से कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब रंती देव ने जो वरदान मांगा मेरी माँ आज तक किसी ने नहीं मांगा, रंती देव ने कहा प्रभु मैं सबके भीतर बैठ जाऊं वही यही वरदान दो मुझे। अरे अंदर बैठ के क्या करोगे। बोले प्रभु सबका दर्द सबका कष्ट सबका दुख मैं भोगूंगा और आप अपना सुख सब में बांट दीजिए, सबका दुख मैं भोगूं यही वरदान मुझे दीजिए नाथ, कोई दुखी ना रहे, सबका दुख मैं भोग लूं, मेरी खुशियां सब में बांट दीजिए, आप अपनी कृपा सब में बांट दीजिए। और हम लोग चार लोग मिलजुल के नहीं रह पाते है ना, हमारे जीवन की ये दुर्दशा है, हालत है कि हम लोग ना चार लोग मिलजुल के नहीं रह पाते, झगड़ा करते हैं आपस में, हम अपना अपना देखते हैं, हमारा पेट भर जाए बस, हमारा पेट हाहू हम ना दें काहू, केवल अपना पेट। और धन्य है रंती देव जिन्होंने सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। एक छोटा सा घर था, इंसानियत का परिचय क्या होना चाहिए देता हूं सुनो। एक छोटा सा घर था, आज सुबह मैं ऐसा ही सोच रहा था तो मुझे याद आ गया कैसा तो हुआ है। एक छोटा सा घर था, उस घर में वो सड़क में ही घर था, और आपने देखा होगा अक्सर जिनका घर सड़क में होता है रास्ते में, तो बरसात में लोग उस घर के पास गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं, छाया है। एक घर था जो बिल्कुल सड़क पे था, फ्रंट पे था, तो और सिंगल था, डबल स्टोरी नहीं था, सिंगल एक छत का था। उस जमाने में छप्पर खप्पड़ चलता था, मिट्टी के खप्पड़ थे, था छोटा सा घर। एक पति पत्नी रहते थे और उनका काम था केवल भगवान का भजन करना। अचानक बड़ी ठंडी का मौसम था और वहां कुछ लोग आ गए, वो लोग बड़े परेशान थे। दरवाजा खटखटाया तो दोनों पति पत्नी ने दरवाजा खोला, भैया कौन हो। भैया जी हम जा रहे थे अपने गांव, रात हो गई और मौसम भी खराब है, क्या हम आपके बाहर द्वार के बाहर सो सकते हैं, कुछ दरी मिल जाए तो अच्छा है। इन दोनों पति पत्नी को लगा राम राम बड़ा ठंडा है और हवा चल रही है ठंडी, बीमार ना पड़ जाए, भैया आप बाहर मत सो अंदर आ जाओ। उन्होंने अंदर बुला लिया, दरी बिछाया, अपना जो बिस्तर था इन्होंने बिछाया, दो तीन कंबल रहे होंगे तो एक उन्हें दे दिया,
आप भी सो जा, हम लोग एक ही कमरा था और अब हम भी सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद आवाज फिर आई, भैया भैया, खोला, क्या हुआ? बोले हम जा रहे हैं, मौसम बिगड़ा है, कोई यहाँ बाहर सो जा। नहीं नहीं, आप अंदर आओ, अंदर। ऐसी करती करती उसका घर लोगों से भर गया। अब सब बिस्तर डाल डाल कर सोने लग गए। एक के बाद एक कोई ना कोई आते ही जाता। पूरा एक ही कमरा था, अब पूरा कमरा लोगों से पैक हो गया। कोई दरी में सो रहा है, कोई कंबल ओढ़ा है, तो कोई अपना यूं ही सिकुड़ के लेटा है। अब अपने ढंग से सब, अब पूरा कमरा पैक हो गया लोगों। अब ये दोनों खड़े हैं, पति जन का घर है, पति पत्नी। अब इन दोनों ने कहा क्या करें, कहां सोए हम? बोले एक काम करो, ये अतिथि हैं, इनको अंदर सोने देते हैं, अपन बाहर सो जाते हैं। तो वो दोनों, अब उनका तो कंबल भी नहीं था, वो लोग ले लिए और दरी अरी जो सब बिछ गई। अब ये दोनों बाहर अपने सो गए। और जब ये बाहर सो रहे थे, तब वहां से भगवान नारायण निकल रहे थे माता लक्ष्मी के साथ। तो लक्ष्मी जी की नजर पड़ी, प्रभु देखो ये कोई सो रहा है। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ, बहुत लोग सोते हैं, आप क्यों देख रही हो? ना 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 ना, ये देखो दोनों पति पत्नी है, लगता है गरीब है, हम इन पर कृपा करना चाह रहे हैं। तो लक्ष्मी और नारायण भी पति पत्नी बन के आ गए। देखो गरीबी में और गीला आटा, इसी को कहते हैं। भगवान आए, भैया उठो। उठे, आप कौन? अरे हम जा रहे थे, हमें लगा आपके घर से कुछ मदद मिल जाएगी, हमें आज रात गुजारनी है। अब लो लक्ष्मी नारायण आ गए और कह रहे हैं हमें रात गुजारनी है। तो इन्होंने कहा भैया, भैया जी अंदर तो जगह नहीं है, एक काम करो, हम लोग जहां सोए थे आप यहां सो जाओ। बोले अंदर जगह क्यों नहीं है, आप अंदर क्यों नहीं सो रहे? तो इन्होंने दरवाजा खोला, तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, क्योंकि लोग पांव वही दरवाजा। अब जैसे जोर लगा के खोला, भगवान ने मुंह अंदर किया दरवाजे के, देखा पूरा खचाखच भरा था। बाहर आए, भगवान बोले ये कौन है? बोले हमारे अतिथि हैं। अतिथि? बोले यहां से निकल रहे थे, मौसम खराब था, सब अंदर आए, बोले हमें रात रुकना है। बोले आप इस घर के मालिक हैं? हाँ, ये घर दास का ही है, और ये तो आप बाहर क्यों सो रहे हैं? बोले सब अतिथि जन अंदर सो रहे हैं, अब जगह अंदर थी नहीं, सो हम बाहर सो रहे हैं। लक्ष्मी माता बोली भगवान अब हमारा मन नहीं कर रहा है इस घर से जाने का, अब हम तो यहीं रहेंगे इसके घर में। ऐसों के घर में जिनके हृदय में दूसरों के प्रति दया है, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा है, ऐसों के घर से लक्ष्मी माता कभी जाने का नाम नहीं लेती, कभी जाती नहीं। बोली मैं यहीं रहूंगी इसके घर में। और करते करते भगवत कृपा से माँ लक्ष्मी ने दर्शन देकर उन दोनों पति पत्नी को लक्ष्मी से संपन्न किया। लक्ष्मी पुत्र बनाती है, उसे अपनी पुत्री बनाती है, और वो बेटा लक्ष्मी पुत्र बन के बड़ा धनवान बना। और उसने फिर अतिथि सेवा के लिए धर्मशालाएं बनवाई और लोगों को रहने की और खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं करने शुरू कर दी। कोई भूखा ना रहे, कोई फुटपाथ पे ना सोए, ऐसा भाव उन्होंने रखा। इन कथाओं से ही ये दास ने प्रेरणा ली कि उनके विचार ऐसे थे कि कोई भूखा ना रहे और कोई फुटपाथ पर ना सोए। इसी प्रकार ये दास की वैसी ही इच्छा है कि ऐसी धर्मशाला, ऐसा आश्रम बने जहां पर सबको रहने की छाया हो और सबको पेट भर भोजन हो, कोई भूखा ना सोए, कोई सबको छाया मिले, कोई फुटपाथ पे ना सोए। इसलिए हम सबको भी यही भाव रखने चाहिए। पर आज तो बेटे ही अपनी मां को घर से निकाल देते हैं। हाँ, दुर्योधन बहुत अच्छा नहीं था, विचार अच्छे नहीं थे। दुर्योधन बड़े प्रेम से पांडवों को मारने की योजना, अश्वत्थामा चले द्रौपदी के पांच बच्चों का सिर काट लिया,
जाकर दुर्योधन को दिखाया, ये पांचों बच्चों को मार डाला मैंने। बोले ये पांच पांडव नहीं है, ध्यान से दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया। रोने लगा दुर्योधन, उसी क्षण पहले प्रसन्नता हुई, बाद में दुख हुआ, उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था कि पहले हंसेगा बाद में रोएगा, जब दोनों काम एक साथ करेगा तभी तेरी मृत्यु होगी, क्योंकि ये छोटा था तो साधु संतों के भगवान फेंक देता था, और जब इनकी शिकायत करते पितामह से तो रोता था, हमें देखो झूठा कह रहे हैं, तब संतों ने श्राप दे दिया, झूठा पहले हंसता है बाद में रोता है, जा आज के बाद तू हंसा और रोया साथ में तो मर जाएगा। तब से एक साथ दोनों काम नहीं करता था, और आज किया इसने, लगा कि पांडव मर गए, फिर ध्यान से देखा पांडव नहीं पुत्र है, उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई और दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा भागे भागे फिरने लगे, भगवान ने रथ तैयार किया, अर्जुन ने कहा द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने के मेरे बच्चे उठे नहीं है, जाकर देखा मरे पड़े थे, चल पड़े भगवान अर्जुन को सारथी बनाकर। और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने जाए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान की शरण में अर्जुन आकर के कहने लगे पाहि पाकृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दहीयमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। कह दिया हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान कहने लगे अर्जुन कांटे को कांटे से निकालना है, इसे भी तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराते प्रलय हो जाती, भगवान ने दोनों को शांत किया और अर्जुन ने केस पकड़े अश्वत्थामा के, द्रौपदी के सामने खड़ा किया, द्रौपदी आपके बेटे का हत्यारा सामने है, जो सजा देना चाहती हो दे दो, मार डालो इसे। द्रौपदी ने कहा इसे मारने से कल्याण नहीं है। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, हाथ की रस्सी खोलकर पांव की रस्सियां खोलकर कहा जाने दो, क्या तुम्हें इस पर दया आ रही है? बोले दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी माँ पर आ रही है। और द्रौपदी कहती है क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, इसलिए इसे मत मारो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो तब तक दया करो, मरने के बाद थोड़ी कहेगा कोई दया करो। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है और अभिमान ही पाप है, पाप मूल अभिमान। इसलिए अभिमान त्याग कर जीव मात्र पर दया करो, सब पर दया तब बनेगी जब सबको भगवान की दृष्टि से देखेंगे। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। द्रौपदी क्या तुम्हें दया आ रही है? हाँ। अरे ये आपके गुरु पुत्र हैं और गुरु का बेटा गुरु तुल्य होता है, इसलिए आप इन्हें मत मारिए, नहीं तो आपको गुरु हत्या का पाप लग जाएगा। भगवान मुस्कुराए, वाह द्रौपदी वाह, आपकी जैसी विचारधारा सबकी हो जाए तो काम बन जाए। अर्जुन बोले प्रभु आप भी वाह वाह कर रहे हैं, बताओ अब क्या करें, इसको मारें कि छोड़ें? तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्य आततायी बधारहण मयैवो भयमाम नातम। आप ब्राह्मण को कभी मत मारिए, परिपाहि अनुशासनम, ब्राह्मण को कभी मत मारो, ब्राह्मणों का सदा आदर किया करो, ब्राह्मण जहां भी मिल जाए उनको प्रणाम किया करो, क्योंकि
भगवान ने सुदामा जैसे ब्राह्मणों के चरण धोए हैं, यदि ब्राह्मणों का सम्मान भगवान करते हैं तो फिर हमको ही करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। अब आप लोग कहते हैं महाराज जी आजकल तो ब्राह्मण भी मार्ग से भटक गए हैं। हाँ भटक गए हैं बहुत सारे ब्राह्मण, तो कोई बात नहीं ना, वो भटके हैं तो उनके भटकने की सजा उन्हें मिलेगी, तुम उनकी बुराई करके आलोचना करके क्यों पाप मोल लेते हो। भाई ये व्यक्ति गलत है तो इसके गलत की सजा इसे मिलेगी ना, मैं क्यों इसे गलत कहूं, मिलेगी सजा। गलत है तो दुर्योधन गलत था तो सजा मिली कि नहीं, रावण गलत था तो सजा मिली कि नहीं, जब इनको सजा मिली तो यदि मैं गलत हूं तो मुझे भी सजा मिलेगी। पर आप किसी की बुराई करके क्या फायदा पाएंगे, इसलिए आप तो केवल सम्मान करते चलो, आप ब्राह्मणों का सम्मान करते चलो। ब्राह्मण भगवान तुल्य हैं, वो गलत हैं, उनकी सोच गलत है, वो गलत। आज बहुत सारे लोग मांस और शराब भी खाते पीते हैं, चलो कोई बात नहीं, पांच उंगली एक सी नहीं, वो कर रहे हैं गलत तो उनका दंड उन्हें मिलेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आप तो केवल सबसे प्रेम कीजिए, आप तो सब में भगवान का दर्शन कीजिए। न्यायकर्ता भगवान है, हम थोड़ी न्यायकर्ता हैं, न्याय भगवान करेंगे, गलत को गलत सही को सही। आप क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं, फलाना बुरा है तो है, रावण भी बुरा था, कंस भी बुरा था, मिली सजा। भगवान सबके न्याय करता है ना, सबके साथ, इसलिए जीव मात्र में भगवान का दर्शन करो। और ब्राह्मणों में इसलिए क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से वेद पुराण गुरु परंपरा को धारण करते आए हैं, जगत गुरु ब्राह्मण होता है, गुरु ब्राह्मण को ही बनाना चाहिए। गुरु बनाने के पहले विचार कर लो कि गुरु ब्राह्मण ही हो, जाति ब्राह्मण की ही हो। ब्राह्मण इसलिए गुरु के योग्य है क्योंकि वो शास्त्रों का पुराणों का ज्ञान रखता है। कभी आपके धर्म संकट पड़ेगा तो गुरु ही मार्गदर्शन करेगा ना। राजा दशरथ जी क्षत्रिय थे और उनके संतान नहीं हो रही थी तो संतान का विधान कौन बताया था, गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, गुरु ग्रह गए हूं तुरंत मही पाला, धरहु धीर हुई है सुतचारी, गुरु जी ने कहा। जब कोई बात समझ में ना आए तो गुरुजन होते, गुरु जी तलवार चलाना सिखाते हैं। अरे पांडवों को तलवार चलाना कौन सिखाया था, गुरु द्रोणा, ब्राह्मण थे वो, ब्राह्मण थे। चाणक्य ब्राह्मण थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चों को राजा बना के बिठाल दिया कि नहीं। हाँ ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु बनने के योग्य केवल इसलिए है क्योंकि 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 डॉक्टर यही चाहेगा कि हमारे घर कोई बीमार पड़े तो आवे, एडवोकेट यही चाहेगा किसी का केस बिगड़े तो हमारे घर आवे। दुनिया के हर लोग शायद आपका हित ना चाहें, पर एक पंडित जी ऐसे हैं, ब्राह्मण ऐसा है जो कहते हैं कि भगवान हमारे पड़ोसी की बिटिया का विवाह जल्दी हो जाए, इनके बेटे का विवाह जल्दी हो जाए ताकि बारात में जाने को मिले और शादी बांचने को मिले, ताकि 1100 का काम बन जाए, दक्षिणा मिल जाए। पंडित जी चाहते हैं कि आपके घर उत्सव हो, क्या हो, केवल ब्राह्मण ऐसा है जो यही चाहता है कि हमारे यजमान के घर क्या हो, उत्सव हो, तो हमें बुलाया जाए। अरे आप तो उसे 100 रुपए दे देते हैं श्रद्धा से तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बढ़िया पेट भर भोजन करा दो पंडित जी को, फिर देखो आशीर्वाद ले लो जितना लेना हो। ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, इसलिए ब्राह्मण सर्व पूज्य माना गया है। हम हमेशा, हम भी ब्राह्मण हैं और हम हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करते हैं जब पूजा में बैठते हैं, हे भगवान
जितने लोग कथा सुनते हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं कथा से, हे भगवान सबको इतना धनवान बनाना ताकि सब लोग अपने दोनों हाथों से उठा उठा कर दान करने लग जाए। इतना धनवान बनाना लोगों को, हम स्वयं ये सोचते हैं। आप इतने धनवान बनो कि आप दोनों हाथों से सोना चांदी उठा उठा के बांटो, वृद्ध माओं की सेवा में अपना दान करो, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में अपना दान भेजो। इतना हम चाहते हैं कि आप खूब धनवान बने। हम चाहते हैं आपके बच्चे बड़े संस्कारी बने। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो केवल चाहता है आपका कल्याण हो, आपका हित हो। वैसे सभी हित चाहते हैं, सब अच्छे हैं, पर ब्राह्मण गुरु क्यों है, पूजनीय क्यों है, मैं एक विचारधारा की बात आपके सामने रख रहा हूं। ब्राह्मण सबका भला चाहता। सत्यनारायण जब शादी होती है ना, ब्राह्मण ऐसा है जो चारों वर्णों को लेकर चलता। शादी जब होती है तो विवाह में चारों वर्णों की जरूरत पड़ती है कि नहीं, हाँ या ना? किस किस की पड़ती है? मंडप गाड़ने वाले अलग होते हैं, मंडप लाने वाले गांव में अलग होते हैं। याद रखना, बेटी मेरी हो या बेटी तुम्हारी हो, जब आपकी बेटी का विवाह होता है, होता था गांव में, आज भी होता है, तो बेटी के विवाह में चारों वर्णों को थोड़ा थोड़ा काम मिलता था, रोजगार मिलता था, हाँ या ना? दौना बना रहे हैं कोई, लिपाई पुताई कर रहे हैं कोई, साफ सफाई कर रहे हैं कोई, मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित जी, हल्दी घोंट रहे हैं कोई, ताई, बच्चे का जन्म होता है तो जो ताई आती है नरा काटने के लिए, शादी विवाहों में ऐसी ताइयों का भी काम पड़ता है ना, किसी किसी काम के लिए बुलाया जाता, सबका नेग होता है, हाँ या ना? सबको नेग देना पड़ता है कि नहीं? मतलब ब्राह्मण ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि केवल मुझे बस दक्षिणा मिले। अरे ब्राह्मण विवाह पड़ता है किसी बेटी और बेटे का, तो वो चारों वर्ण को उसके हिसाब का अर्थ दिलाता है, भाई दो ताकि इसकी भी रोजी रोटी चले। बेटी का, तुम्हारी बेटी का विवाह हो रहा है, और हजार दो दो हजार सबको दो ताकि इनको भी खुशी मिले, इनको भी नैगस स्वरूप प्राप्त हो, इनका भी तो परिवार है, इनकी भी तो बेटी है, तो खुशी से देना चाहिए। कई लोग लड़ जाते हैं, हम नहीं देंगे, अरे नहीं दो तो रखो, पर खुशी, ये तो खुशी से देने का विधान है। शादी विवाह में नाऊ की जरूरत पड़ती है, केवट की जरूरत पड़ती है। चलो भैया पानी आप भरोगे, चलो भाई आप दोना पत्तल बनाओगे, सबकी जरूरत, चारों वर्ण जुड़ जाते हैं विवाह से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ताकि सबको रोजगार मिले। सबको लेके चलने वाला भारत है हमारे भारत में, सब लोग एक ही मंडप के नीचे काम करते हैं, ब्राह्मण भी उसी मंडप के नीचे बैठता है, क्षत्रिय भी उसी मंडप के नीचे, वैश्य भी और शूद्र भी। पता नहीं ये जातवाद का जहर भगवान जाने किसने घोल दिया। हम लोग तो सब गले मिलके रहने वाले लोग थे, सब भाईचारे से रहा करते थे, कोई ऊंच और नीच नहीं हुआ करता था, सबको गले लगाया करते थे। हम जब छोटे थे तो किसी को बच्चा हुआ तो उसने कहा, उस समय हम वहां उपस्थित थे, बाहर बैठे थे, तो उन्होंने कहा भैया ताई को ले आओ, तो हम जल्दी से गए और ताई को लाए। ताई बड़ी बूढ़ी थी, चलने में असमर्थ थी, तब ताई को हमने गोद में उठा लिया और दौड़ के आए। ताई ने नरा काटा काम किया और फिर ताई को छोड़ के भी आए। ये बिल्कुल भ्रम फैलाया गया है कि जातवाद। हम तो गांव में, हम तो सबसे राम राम करते, हमारे गांव में सब लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी क्षत्रिय भी वैश्य भी और शूद्र भी। हम तो शूद्रों के घर भी जा जा के राम राम, भैया कैसे हो हाल, जब भी जाते हैं गांव सबके घर जाकर पूछते हैं हाल चाल ठीक हो, आनंद है। हमारे गांव में तो जितने लोग अपनी बेटी का विवाह करवाते हैं सबको हमने कह रखा है कि जब आपकी बेटी का विवाह होगा तो बारातियों के भोजन प्रसादी का सहयोग हम आपको करेंगे, बिहारी जी हमसे करवाते हैं। किसी की भी बेटी गरीब परिवार की है, मेहनत मजदूरी करने वालों की बेटियों का विवाह है, तो उनके राशन
ये दास बिहारी जी ने सामर्थ्यता दी है तो सेवा कर देते हैं, सबको सेवा करते हैं, संपूर्ण गांव में सबकी, किसी की भी बिटिया का विवाह हो, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग, उनको, जो संपन्न है उन्हें जरूरत ही नहीं। चलिए, कहने का अर्थ यह है हम सबको लेकर चलें, हम किसी का अनादर अपमान ना करें। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पर ये जात से ब्राह्मण है, अश्वत्थामा और कर्मों से आतताई है, तो क्या करें? बोले इसके मस्तक की मणि छीन के इसे नगर से अपमानित करके निकाल दिया जाए। अर्जुन ने अपमानित करके निकाला, अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जली और प्रतिशोध की ज्वाला में उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान से कहने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा भगवान से कहती हैं, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। गर्भ की, गर्भ को क्या हुआ? वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा नाथ। मुझे इस बात का भय नहीं है कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो प्रभु आपकी ख्याति नष्ट हो जाएगी। भगवान बोले, मेरी ख्याति क्यों नष्ट होगी? क्योंकि लोग कहेंगे, जिन कृष्ण ने पांडवों को रक्षा की, आज उनके घर में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, कहीं आप पर कोई उंगली ना उठा दे कि आप जिनके रक्षक थे उनका वंश नष्ट हो गया। अरे आप जिनके रक्षक होते हैं उनका वंश कैसे नष्ट हो सकता है? नाथ आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तब भगवान गए उत्तरा के गर्भ में और अंगूठे के बराबर, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं है, पर भक्त के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए, प्रवेश कर गए और भगवान ने अपने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया, शांत किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ये उत्तरा का गर्भ, ये अभिमन्यु की पत्नी है, इन्हीं के गर्भ से भागवत को प्रकट करने वाले परीक्षित जी का प्राकट्य होगा। परीक्षित जी आए, इसके बाद भगवान, देखिए भगवान माँ है। जैसे माँ, भगवान ने कुंती माता की स्तुति पर क्या कहा? अब कुंती माँ कहती है, नाथ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे कुछ चाहिए। आज पहली बार कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे नंद, हे वसुदेव, नंदन देवकी के पुत्र। अब मां यशोदा को याद आया कि ये तो वसुदेव पुत्र देवकी पुत्र हैं और ये तो यशोदा के भी पुत्र हैं, तो बात घुमा दी। गुरुदेव आपने कहा था नंद गोप कुमार आया, अब कुंती माँ को याद आया ये तो नंद का भी छोरा है, तो प्रार्थना में कह दिया नंद गोप कुमार आया। नंद का छोरा, गोपों का सखा, यशोदा नंदन आपको मैं नमस्कार करती हूँ। गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे गौओं के रक्षक, हे नाथ, आप इंद्रियों के
मथ को मंथन करने वाले हैं, इंद्रियों का जो मद है, इंद्रियों का जो मद है ना, गौ मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों का मद बढ़ जाता है ना, तब उस मद को वही भगवान शांत करते हैं। यद कोई उनकी शरण में जाए साक्षात मनमथ मनमथा, इंद्रियों के विषयों के जो प्रभाव को नष्ट करके, वासनाओं के प्रभाव को नष्ट करके जो अपने चरणों की भक्ति देने वाले हैं, उन गोविंद की मैं शरणागति ग्रहण करती हूं। अब तो भगवान ने कहा, मां आज इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों क्यों मुझे खुश कर रही हो? तब कुंती बुआ ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ मांगो, क्या चाहती हो? तब कहा कुंती बुआ ने, विपदा संतु नह शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, मुझे विपत्ति दे दो। अच्छा, विपत्ति क्यों? क्योंकि आपने जीवन में तब तब साथ दिया है जब जीवन में विपत्ति आई है। भगवान निर्बल के हैं, इसलिए जीवन में जब दुख आ जाए तो परेशान ना हुआ करो, ये समझ लिया करो कि इस दुख में ये दुख आया है तो जरूर भगवान को लेकर आएगा। दुख आता है तो अकेला नहीं आता, परमात्मा की स्मृति लेकर आता है, भगवान का स्मरण लेकर आता है। और सुख आता है तो भगवान को विस्मृत करा देता, विस्मरण करा देता है। कुंती बुआ आज भगवान से दुख की याचना कर रही हैं। क्यों मांग रही हैं दुख? क्या आपने जीवन में कम दुख पाया है जो और दुख मांगती हो? मां, भरी सभा में आपकी बहू का अपमान हुआ, लाक्षा गृह में बंद करके कौरवों ने आग लगाई, पर धन्य है भगवान ने बचाया। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटी। अच्छा, जिस समय दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था, उस समय भगवान रुक्मणी के साथ अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे और भोजन की तैयारी थी। रुक्मणी बोल रही थी, जल्दी भोजन कर लीजिए। भगवान बोले, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, भगवान देख रहे थे द्रौपदी के साथ कुछ गलत ना हो। रुक्मणी बोली, भोजन ठंडा हो जाएगा। भगवान भोजन के सामने बैठे हैं और रोटी तोड़ी, भगवान बोल रहे हैं, द्रौपदी जल्दी बुला, जल्दी बुला। जब द्रौपदी ने बुलाया अपने पतियों को, जब द्रौपदी ने बुलाया अपने पितामह को, जब कोई नहीं आया, तब द्रौपदी रोई, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान ने सुदर्शन को प्रकट कर दिया और सुदर्शन से कहा, जाओ पांडवों का सिर काट दो। अरे, रुक्मणी जी ने, प्रभु सुदर्शन रुको 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 रुको, सुदर्शन रुके, अरे आप आवेश में गलत भूल गए, पांडवों का सिर नहीं, दुर्योधन का, कौरवों का सिर काटो। भगवान बोले, ना मैं गलत निर्णय नहीं लेता। रुक्मणी रुक्मणी अम्बा ने कहा, भगवान आपने सुदर्शन को क्यों पांडवों का सिर काटने भेजा? भगवान ने कहा, रुक्मणी वो द्रौपदी की साड़ी पकड़ के खींच रहा है दुशासन, उसे निर्वस्त्र करना चाह रहा है। तो रुक्मणी अम्मा ने कहा, दुशासन खींच रहा है तो दुशासन का सिर काटने भेजो ना, पांडवों का क्यों? अरे, पांडवों का सिर इसलिए काटने भेज रहे हैं क्योंकि दुर्योधन इत्यादि तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, जो धर्म को ना जाने, याद रखना मेरी मां, जो धर्म को ना जाने वो व्यक्ति जिंदा ही क्यों ना हो, वो मरे के समान है। जो धर्म का पालन ना करे, पराई स्त्री को निर्वस्त्र करना चाह रहा है, क्या ये धर्म है? ऐसा व्यक्ति, ऐसी चोच वाला व्यक्ति उस पांडव, उस सभा में जितने बैठे हैं, चाहे पितामह हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, धृतराष्ट्र हो, फलाना हो, सारे मरे पड़े हैं, जिंदा है केवल पांच, क्योंकि ये लोग धर्म को जानते हैं, धर्म को जानते हैं। तो फिर रुक्मणी जी ने कहा, जब वो धर्म को जानते हैं तो आप उन्हीं का सिर काट दोगे? भगवान बोले,
रुक्मणी जी बोली वो हार गए हैं पत्नियों को। भगवान बोले हार गए हैं तो क्या हुआ, अरे इंसानियत की नाती कोई महिला पुकार रही है तो क्या उसकी रक्षा में खड़े नहीं होना चाहिए, अरे पति के रिश्ते से खड़े ना हो तो एक इंसानियत के रिश्ते से तो खड़े होकर द्रौपदी की रक्षा कर सकते हैं कि नहीं। पितामह भीष्म क्या खड़े नहीं हो सकते थे, मैं यहां तड़प रहा हूं पुकार रहा हूं भैया बचाओ 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 और आप ना आए, क्या ये आपकी इंसानियत है? इंसानियत का परिचय तो दीजिए। पितामह भीष्म ने इंसानियत का परिचय नहीं दिया तो पांडवों को, ऐसे पांडवों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं। भगवान को बड़ा गुस्सा आया, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, पांडवों को मारूंगा। रुक्मणी जी ने समझाया, ना प्रभु आप पांडवों को नहीं मार सकते। क्यों? रुक्मणी जी ने कहा प्रभु यदि पांडवों को मारना है तो पहले उसके पहले आप स्त्री बनो। भगवान बोले ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम समझदार होके? रुक्मणी अम्बा ने कहा भगवन द्रौपदी जितना प्यार अपनी साड़ी से करती है, एक स्त्री जितना प्यार अपनी साड़ी से करती है उससे कई गुना ज्यादा प्यार अपने पति से करती है। द्रौपदी की साड़ी उतर रही है और आपने पतियों को मार दिया तो क्या वो आपको माफ करेगी? इसलिए भगवान आप अपना क्रोध शांत कीजिए। तब भगवान ने विचार किया बात तो सही है, अभी तो साड़ी उतर रही है, कल को ये विधवा हो जाएगी यदि पांडव मारे गए, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन का सुहाग उजड़ी। भगवान ने सुदर्शन को वापस आओ कोई काम नहीं चलता बुला लिया वापस। कहने का अर्थ यह है भगवान ने रुक्मणी से कहा रुक्मणी सुनो, मैंने इन पांडवों की रक्षा की है तो केवल द्रौपदी के संबंध से की है। भगवान ने पांडवों की रक्षा की है तो इसलिए नहीं कि ये मेरी बुआ के लड़के हैं, बल्कि इसलिए कि द्रौपदी भगवान की उच्च कोटि की भक्त है और भगवान कभी अपने भक्त का अपमान नहीं होने देते। भगवान यदि पांडवों की रक्षा करने जाते हैं तो वो केवल द्रौपदी के संबंध से जाते हैं। भगवान राम लंका पर तब तक अटैक नहीं किए जब तक रावण का संबंध विभीषण से था। आपका संबंध किसी भक्त से है तो आपका भगवान बाल भी बांका नहीं होने देंगे। और रावण जब ही विभीषण त्यागा भयं विभव विनु तब ही अभागा, अस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भय सब तब ही। रावण ने विभीषण को नहीं अपने भाग्य को त्याग दिया। उसी प्रकार आज दुर्योधन ने आज द्रौपदी का वस्त्र नहीं हरण किया, आज अपनी आयु का हरण कर लिया है। दुर्योधन इत्यादि कौरवों ने अपने सुख का हरण कर लिया है। और तब द्रौपदी ने पुकारा कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी। जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान
वस्त्र बन के, कभी नरसिंह बनकर प्रहलाद की रक्षा करते हैं, कभी वामन बनकर के आते हैं, कभी मत्स्य बनकर आते हैं, कभी भगवान राम भरत जैसे भाई के लिए खड़ाऊं बन जाते हैं, तो आज भगवान अपनी बहन के लिए वस्त्र बनकर के खींचने लगे, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। ऊंचा दुर्योधन दुशासन ने कि साड़ी भी चेनारी है कि नारी भी चिसाड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा ना साड़ी भी चेनारी है ना नारी भी चिसाड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है, ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, अब जाए न लाज तुम्हारी, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी जाएगी। आओ, जब पुकारा तब भगवान प्रकट होकर द्रौपदी की रक्षा करते हैं। जो भगवान द्रौपदी के दुख में उनको बचाने आए, मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में कोई दुख संकट आएगा तो वो आपके दुख में भी बचाने आपके पास जरूर आएंगे। बस विश्वास रखिए द्रौपदी वाला। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी तब द्रौपदी ने बुलाया था तो भगवान साड़ी बढ़ाने आए थे, आज भी बहुत सारी बहन बेटियों की लाज लूटती है, भगवान क्यों नहीं आते? हमने कहा तब बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई बुलाने वाली द्रौपदी हो तो भगवान आज भी द्रौपदी के लिए आए और आज भी लाज बचाएं, पर बुलाने वाले में वो भाव कहाँ है, वो प्रेम कहाँ है? भगवान तब आएंगे ना जब प्रेम की अधिकता हो। इसलिए हम आपसे प्रार्थना किया करते हैं, मेरी माँ किसी को ना बुलाया करो, एक नाथ को, एक टेर रघुनाथ को। टेर ना हो, टेर ना बोलते हैं गांव में बुलाने को, टेर रहा, टेर मतलब बुलाना। एक टेर रघुनाथ की अर्थात एक आवाज रघुनाथ को लगाओ, एक आवाज बिहारी जी को लगाओ, नाथ आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी विपत्ति को दूर कीजिए, मेरा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है नाथ। समर्पण कर दीजिए। और जब समर्पण किया तो द्रौपदी की लाज बची। तब दुर्योधन ने द्रौपदी की लाज दुशासन ने लूटनी चाहिए। आजकल तो माँ बाप की, हाँ, माँ बाप को अपमानित करके, माँ बाप का अनादर करके, बच्चे उनके साथ गलत व्यवहार करके उन बूढ़े माता पिता को रुला देते हैं। तब दुर्योधन और दुशासन के कारण नारी रोई थी और आज पुत्रों के कारण नारी, वह पुत्र जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते उन पुत्रों के कारण नारी रोती है, वह नारी जो माँ बनकर हमारे मध्य है, वह नारी जो माँ बनकर के हमारे बीच है, ऐसी माओं की आपको सेवा करनी चाहिए। ऐसी माओं की, ये दास अनिरुद्ध ने विचार किया कि ऐसी माओं की हम सेवा करें और आप सभी का बड़ा योगदान, बड़ा सहयोग मिला, जिसके कारण यहाँ माओं की सेवा का कार्य चल रहा है। ये वही माताएं हैं जिन माओं को आपके सहारे की जरूरत है, आप जैसे दाताओं के, दानवीरों के सहारे की जरूरत है। प्रिय भक्तों, आप भी थोड़ा सा वक्त निकाला करो अपनी माओं के लिए, अपने माता के, अपने पिता के चरणों में थोड़ा सा समय दिया करो, सुना करो उनके मन में क्या है, उनके वो क्या चाह रहे हैं। बुढ़ापे में कोई बहुत धन दौलत की कोई कामना थोड़ी है माता पिता को, केवल प्यार चाहती हैं, केवल प्यार। आप भी अपने माँ को हृदय से लगा लो, आपको अपने हृदय से लगाती थी, अब आप उन्हें लगाओ, समय आ गया। प्रिय भक्तों, ऐसी माएं जो
बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो माँ यहाँ आती है, फिर ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है। आपसे प्रार्थना है, आप भी किसी एक माँ को गोद लीजिए, किसी एक माँ का सहारा बनिए। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जितनी माएं हैं अब उनसे और अधिक माएं आती हैं, बहुत सारी माएं आती हैं और सबकी ही व्यवस्थाएं करनी है। एक और आश्रम बनाने की जरूरत है उन पिताओं के लिए। हमारे पास वो पिता जन भी आते हैं जिन पिताओं को सहारे की जरूरत होती है, ऐसे पिताओं के लिए भी एक आश्रम बन रहा है और माओ के लिए ये आश्रम छोटा पड़ गया है, इसलिए और बड़ा आश्रम जहां पर उन माओ की और ज्यादा माएं रहें, ज्यादा से ज्यादा मैया लोग रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख मिले। हम किसी काम तो आए, अभी आपके हाथ खुले हैं तो दान पुण्य कर लो। कल को आप पराधीन हो गए और आपका मन हुआ कि हमें दान करना है, तो शायद मन तो होगा कि दान करना है पर शायद दान कर पाओ ना कर पाओ, इसलिए किसी एक माँ का आप सहारा बनो। जैसे नदी हमेशा दूसरों के लिए बहती है, वृक्ष हमेशा दूसरों के लिए फल देते हैं, हमें भी परोपकार के लिए जीना चाहिए। अपने लिए तो देखो पशु और पक्षी भी जी लेते हैं, पर सभी में बांट कर खाए, सभी का दर्द समझे। हम तो प्रार्थना बच्चों से करेंगे कि आप अपने अपने माता पिता की सेवा किया करो। आइए, कुछ भक्तों ने अपना योगदान पहुंचाया है, नाम श्रवण करते हैं। और एक सूचना और कि अष्टोत्तर चल रहे हैं माघ के महीने में, बहुत सारे भक्तों की और इच्छा है कि हमें पोथी बिठानी है पर अब ये तो समय निकल गया। तब इसी फरवरी की 17 तारीख से फिर अष्टोत्तर है, आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ करवा सकते हैं जो रह गए हैं उनके लिए, ताकि अवसर मिलता रहे आप सभी को। कुछ भक्तों ने माओं की सेवा में अपना योगदान पहुंचाया है, आइए नाम श्रवण करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी ही सुंदर पावन कथा से आप सभी लोग जुड़े हुए थे और जैसा कि पूज्य महाराज श्री का आदेश हुआ, आइए अब नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने नेक कमाई से कुछ अंश निकालकर माओ के आंसू पहुंचे हैं और साधु संतों के लिए नित्य प्रसादी के लिए अनिक्षेत्र के लिए अन्नदान की व्यवस्था की है, अन्नदान किया है, उन सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब उनके नाम श्रवण करते हैं। इन दानवीर महापुरुषों के नाम सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये वो दानवीर महापुरुष हैं जो यहाँ श्री धाम वृंदावन से जुड़ रहे हैं, माओ की सेवा से जुड़ रहे हैं, अन्नक्षेत्र की प्रसादी की सेवा से जुड़ रहे हैं और गौ माताओं की सेवा से जुड़ रहे हैं, पुण्य और परोपकार की कमाई कर रहे हैं। आइए जितना की सामर्थ्यवान ईश्वर ने हमें और आपको बनाया है उसमें से कुछ अंश निकालकर हम भी सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएं और माओं को गले लगाएं। आज की श्रृंखला में श्रीमान जुगल किशोर जी सोनी, आप सूरत गुजरात से एक माँ को गोद ले रहे हैं, 21,111 रुपए का सहयोग आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान जुगल किशोर जी के लिए जिन्होंने एक माँ को गोद लिया है, एक माँ को सहारा दिया है और आप धर्म पुत्र बनते हुए आप पुण्य कमा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इनकी तरह पुण्य कमा सकते हैं, किसी एक माँ का, किसी एक वृद्धजन का आप सहारा बन सकते हैं, धर्म पुत्र अथवा धर्म पुत्री बन सकते हैं। पुण्य तो अर्जित आप करेंगे ही, साथ ही आपके सहयोग के माध्यम से किसी वृद्धजन की जिंदगी भी बदल जाएगी। आइए जितना की ईश्वर ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है उसमें से कुछ अंश निकालें, परोपकार की कमाई करें और अर्जित करें। इसी श्रृंखला में एक दिन के अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए स्वर्गीय विजय कुमारी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मोहाली पंजाब से 11,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ सिंह जी मंदसौर से 1100 रुपए, रघुनंदन जी शर्मा आप रतलाम से 1100 रुपए, संतोष देवी जी रोहतक हरियाणा से आप गौ माताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में सुशीला देवी जी पुणिया बिहार से 1100 रुपए, संजीव जी खिचड़ी सेवा के लिए 5100 रुपए, राजीव जी अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए 2100 रुपए, असित दत्त जी आप 1100 रुपए का सहयोग अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा के लिए कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में
मानस तिवारी जी आप हावड़ा लखनऊ से 1100 रुपए, सुष्मिता जी नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, महेश शर्मा जी आप मेरठ से अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए 1100 रुपए, पुष्पा देवी जी आप फतेहपुर से गोमाताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए, अरुण जी शर्मा आप जमशेदपुर से झारखंड से 1100 रुपए, कुसुम जी शर्मा जमशेदपुर झारखंड से 1100 रुपए, आशा जी जयसवाल आप लालगंज उत्तर प्रदेश से एक पीपल का वृक्ष लगाने के लिए 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार अमर सिंह जी आप लुधियाना पंजाब से 1100 रुपए, बेटू कश्यप जी आप मुजफ्फरनगर से अन्य क्षेत्र के लिए 3300 रुपए, काना के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राजेंद्र जी राठौर पार्वती जी राठौर आप देवास से 1111 रुपए अन्य क्षेत्र के लिए समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में छाया विजय जी आप चंद्रपुर महाराष्ट्र से हमें अन्य क्षेत्र के लिए 2000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। निर्मला देव जी आप जोधपुर राजस्थान से 1100 रुपए, फसुराम जी कुमार आप गुप्ता गया बिहार से 1100 रुपए, देव कुमार जी पुष्पा जी छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए, 1000 रुपए नर्मदा जी राजा राम जी सिरोही आप नागौर राजस्थान से, डॉक्टर चेतन जी वर्मा आप सोलन हिमाचल प्रदेश से 1000 रुपए दवाइयों के लिए समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में नीति जी शर्मा आप जलंधर पंजाब से जन्मदिवस को उपलक्ष्य में 1500 रुपए, पूरल जी गर्ग आप गाजियाबाद से अन्य क्षेत्र के लिए 1101 रुपए, सुशीला जी गाजियाबाद से अन्य क्षेत्र के लिए 3100 रुपए समर्पित कर रहे हैं, नैन सिंह जी गोसाई आप परिवार की ओर से गाजियाबाद से अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए 5000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में सागर देवी जी आप मैकेनिक नगर से, विष्णु जी पटेल जी आप पीतमपुर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए का सहयोग अन्य क्षेत्र जैसी पावन सेवा के लिए कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में विनीत जी महेश्वरी अपनी बेटी वंशिका जी महेश्वरी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उत्तम नगर दिल्ली से जुड़ते हुए गोमाताओं की सेवा कर रहे हैं, 1100 रुपए का सहयोग आप समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में अनुराधा किशन जी आप पुणे से 1001 रुपए, गुलाब जी मेहता प्रताप नगर जोधपुर राजस्थान से 1100 रुपए, सुरभि सिंह जी आप सुमित्रा सिंह जी असम से गोमाताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए, स्वर्गीय राम वरण जी भगत जी आप समस्तीपुर बिहार से 1111 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, भरोसा जी आप अनूपपुर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए समर्पित कर रहे हैं, श्रीमान दशरथ सिंह जी आप मंदसौर से 1100 रुपए, ललिता देवी जी कटिहार बिहार से 1501 रुपए, होरीलाल जी यादव आप रायपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, गोयल परिवार की ओर से 1100 रुपए अन्य क्षेत्र की प्रसादी के लिए, मानस तिवारी जी आप लखनऊ से उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 1100 रुपए, गायत्री देवी जी आप लास्वारी, कुमार जी आप हरिद्वार उत्तराखंड से 1105 रुपए, पूजा जी गुप्ता कोरबा छत्तीसगढ़ से 1151 रुपए, 4000 रुपए राजकुमार जी लुधियाना पंजाब से गोमाताओं की सेवा के लिए अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में मोहिता जी निगम नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, बीसी गर्ग जी गाजियाबाद से आप बंदरों की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, श्री पूजन लाल जी श्रीवास्तव जी गाजीपुर से 1100 रुपए, पुष्पा श्रीवास्तव जी आप गाजीपुर से अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, हीरा जी आप अंधेरी मुंबई से गोमाताओं की सेवा के लिए 2200 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता सिंह जी आप असम से खिचड़ी सेवा के लिए 5100 रुपए, उमा शंकर जी अवस्थी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से 2500 रुपए, कमला देवी जी आप कानपुर नगर से उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 2500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी गुप्ता आप शहडोल मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, स्वर्गीय अंकित कुमार जी राय बरेली से अन्य क्षेत्र के लिए 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। साथ ही श्रृंखला में श्रीमान अभिलाष जी तोमर आप बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, कमलेश जी प्रजापति बिहार से अन्य क्षेत्र के लिए 2100 रुपए, साथ ही अतुल सिंह जी आप भिंड मध्य प्रदेश से गोमाताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए, राजू जी चौरसिया लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए, साधना जी भाटिया कल्याणपुर से कानपुर से अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी सक्सेना आप बरेली उत्तर प्रदेश से गोमाताओं की सेवा के लिए 1106 रुपए, मीना शर्मा जी चंपारण बिहार से 1505 रुपए, पुनी बाई जी आप छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, तृप्ता जी शर्मा आप पटियाला पंजाब से गोमाताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए, कौशल किशोर जी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप मध्य प्रदेश से 5100 रुपए, शारदा देवी जी आप रायपुर से 1100 रुपए, हरकेश जी लोधी आप रायसेन मध्य प्रदेश से गोमाताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए, रामनाथ शाह जी पश्चिम बंगाल से 2100 रुपए, निर्मला देवी जी जोधपुर राजस्थान से 1100 रुपए, प्रदीप कुमार जी सोलन हिमाचल प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, भूमि सुता जी आप सरगंज उड़ीसा से 1100 रुपए, राजरानी जी बरेली से 1001 रुपए, परशुराम जी गुप्ता गया बिहार से अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, स्वर्गीय गिरजा देवी जी के नाम से बक्सर बिहार से 1151 रुपए का सहयोग अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। साथ ही श्रृंखला में संध्या देवी जी पुत्र आयुष कुमार जी गया बिहार से 1100 रुपए, ब्रजभूषण जी जिंदल आप आराध्या जी जिंदल कुरुक्षेत्र हरियाणा से 2100 रुपए का सहयोग अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए कर रहे हैं, रवि जी संतोष जी चंद्राकर आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से 1601 रुपए, शादी मुख्तियार सिंह जी आप गुरदासपुर पंजाब से दवाइयों के लिए 2200 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरती देवी जी अजय शर्मा जी पटना बिहार से 1100 रुपए, संदीप जी कौशल जी होशियारपुर पंजाब से आप गोमाताओं की सेवा के लिए 2100 रुपए, फूलवती जी दिल्ली से 1605 रुपए, छोटेलाल जी बोकारो झारखंड से
बंदर सेवा के लिए 1111 रुपए, लीला बाई जी आप उदयपुर राजस्थान से 11 रुपए, सिंधु कुमारी जी, लाल जी आप तरसेम लाल जी मंडी हिमाचल प्रदेश प्रदेश से जुड़ते हुए खिचड़ी सेवा के लिए 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी श्रृंखला में निर्मल वर्मा जी आप भाटापारा छत्तीसगढ़ से 2100 रुपए, अशोक कुमार सिंह जी आप शारदा सिंह जी मथुरा उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए 2005 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी आ रही है आप सीतापुर से 1100 रुपए, केदार प्रसाद जी उर्मिला देवी जी बनारस उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान फतेहगंज बरेली से माताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए, शांति जी गर्ग आप पवन जी गर्ग करनाल हरियाणा से 1 वर्ग भूमि दान के लिए 11000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी श्रृंखला में 1100 रुपए, मंजू जी शर्मा आप पानीपत से बंदरों की सेवा के लिए और 22000 रुपए किसी एक माँ का सहारा बनने के लिए आरती जी शर्मा समर्पित कर रही है उत्तराखंड से, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, धर्मपुत्री बनते हुए आप एक माँ को सहारा दे रही है, माँ को गोद ले रही है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी श्रृंखला में बसंती जी हरियाणा से 1100 रुपए, श्रवण कुमार जी बिहार से अन्य क्षेत्र के लिए 1001 रुपए, मदन जी वर्मा 1100 रुपए, भगवान जी कोलकाता से गौशाला निर्माण कार्य के लिए गौमाताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए, सुशीला देवी जी अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, तप्ता देवी जी पंजाब से 2200 रुपए, श्रीमान जयचंद्र जी बिहार से एक माह को गोद ले रहे हैं और 21000 रुपए की धनराशि आप समर्पित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी, धर्मपुत्र बनते हुए आप पुण्य कमा रहे हैं अर्जित कर रहे हैं। साथी जी श्रृंखला में ऊषा दत्त जी शर्मा आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, आशा देवी जी बिहार से 1100 रुपए, अखिलेश जी भाटी राजस्थान से के लिए 1500 रुपए, उमेश कुमार जी आप यमुनानगर हरियाणा से गोमाताओं की सेवा के लिए 1011 रुपए, 4500 रुपए, कामता प्रसाद जी मिश्रा आप अपर जिला पत्नी श्रीमती गुलाम मिश्रा जी टैगोर टाउन आप प्रयागराज से जुड़ते हुए गोदान कर रहे हैं, 4500 रुपए का सहयोग आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयशंकर जी मिश्रा आप कुंती देवी जी वृंदावन बिहार से 1100 रुपए, खुशियाल जी वर्मा आप राजनाथ गांव से 2100 रुपए, श्रीमान अजय कुमार जी शंकर जी कटिहार बिहार से अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधी श्रृंखला में संजय देवी जी गया बिहार से 1100 रुपए, इंद्रवीर सिंह जी आप जबलपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, गुप्तदान जीरकपुर से गौमाताओं की सेवा के लिए 1001 रुपए, अश्वनी कुमार जी यमुनानगर से 1100 रुपए, भगवान देवी जी राजपूत आप प्रेमलता जी पाठक आगरा उत्तर प्रदेश से 2200 रुपए समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी श्रृंखला में 1 वर्ग भूमि दान के लिए घनानंद जी पांडे आप देवकी देवी जी पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से जुड़ते हुए 11000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी श्रृंखला में उषा गर्ग जी सूरत गुजरात से 1100 रुपए और विद्या देवी जी बसंत जी आप 22000 रुपए एक का सहारा बनने के लिए समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी जंगला में वंदना जी मालवीय आप अमरावती से 1100 रुपए, सुशीला देवी जी दरभंगा बिहार से अन्य क्षेत्र के लिए 2200 रुपए, पूर्णिमा देवी जी आप कोठार उत्तराखंड से 1100 रुपए, कर्मो देवी जी स्वर्गीय संसार चंद के नाम से जम्मू कश्मीर से 2100 रुपए, राजेंद्र जी राठौर आप पार्वती जी राठौर देवा से 1111 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए, तारा देवी जी आप उधमपुर से 1100 रुपए, चंदा जी होशंगाबाद से आप 1000 रुपए, सौम्य जी जी साहू आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 2200 रुपए, बाला देवी जी आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बंदरों की सेवा के लिए 1100 रुपए, हीरमती जी साहू आप रायपुर छत्तीसगढ़ से 1001 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी श्रृंखला में शांति जी साहू आप रायपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए का सहयोग अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए कर रहे हैं। साथी जी श्रृंखला में सुरवी सिंह जी आप असम से 1100 रुपए और एक दिन की अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए, पूजा जी शर्मा आप पंजाब से 11000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी श्रृंखला में शिवकला बाई जी भोपाल मध्य प्रदेश से 1000 रुपए, कबूतरी देवी जी दरभंगा बिहार से अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए 1100 रुपए, खुदारी देवी जी दरभंगा बिहार से 1100 रुपए और सीता जी कंवर आप भोजपुर बिहार से अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी श्रृंखला में रंजू देवी जी आप धर्मपत्नी श्रीराम जी गुप्ता विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रही हैं, सुषमा जी गुप्ता आप कृष्णनगर दिल्ली से 5100 रुपए, रघु जी आप मंगोत्रा एवं बहादुर सिंह जी आप जम्मू कश्मीर से 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित राम निवास जी बंसल आप सुशील कुमार जी बंसल सिलीगुड़ी से वेस्ट बंगाल से आप 2800 रुपए का सहयोग समर्पित करते रहते हैं, आप प्रति माह सहयोग समर्पित करते रहते हैं ताकि आप सेवा प्रकल्पों से जुड़े रहें, और 1201 रुपए डॉली कुमार जी आप अमृतसर पंजाब से समर्पित कर रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शादी से श्रृंखला में श्रीमान मनीष कुमार सोनप श्री महेश जी बजाज आप पिनगवा मेवात से शादी की 20वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किरण जी यादव ने विकास के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पीतमपुर से 1000 रुपए, विनोद कुमार जी घांगड़े आप कोरबा छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, गायत्री देवी जी आप सोनी कोरबा छत्तीसगढ़ से आप दादर खुर्द से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सुरेश जी वर्मा आप राजेंद्र नगर साहिबाबाद से 6000 रुपए, संगीता सिंह जी आप इलाहाबाद नैनी से 1100 रुपए, सोनू शाह जी आप चित्तौड़गढ़ से 1100 रुपए, सारिका जी गाजियाबाद से 11000 रुपए एक दिन की अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए समर्पित कर रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी श्रृंखला में
अखिलेश जी वर्मा आप होशंगाबाद पिपरिया से 1100 रुपए, भोलेनाथ जी सनी खट्टर जी आप बसंतलाल जी खट्टर वृक्षारोपण के लिए 3300 रुपए और 1100 रुपए बंदरों की सेवा के लिए 2200 रुपए परिभाई जी खट्टर आप सावित्री जी खट्टर समर्पित कर रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा देवी जी स्वर्गीय चमन कुमार जी जयसवाल आप भागलपुर से 5100 रुपए, किरण जी सुरेंद्र कुमारी जी आप दमोह से, शादी तिलक सिंह जी चौहान आप कुमारी दमोह से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्या जी वर्मा आप नालदेहरा शिमला से 11101 रुपए का सहयोग अनिच्छेदरी पावन सेवा के लिए कर रहे हैं। श्रीमान अशोक कुमार जी सूदनाल जी देहरा शिमला से आप भी 11101 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी दिल्ली से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, कार्तिकेय जी दिल्ली से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, नीरज जी समीर जी चतुर्वेदी इंदौर से 11000 रुपए, नीरज नीरा जी समीर जी आप इंदौर से 1100 रुपए, नीरज समीर जी इंदौर से अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, श्याम सरता जी पांडे आप रामपुर छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए, सरता श्याम पांडे जी रामपुर छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए बंदरों की सेवा के लिए, साथ ही कैलाश सिंह जी आप प्रतापगढ़ से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, अन्य क्षेत्र जैसी पावन सेवा से आप जुड़ रहे हैं। हर्ष की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कमलापुर से धार मत कानपुर से 21 रुपए का सहयोग अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान ओमपाल सिंह जी रावल आप बुधनगर ग्रेटर नोएडा से 1100 रुपए, गुप्तदान अजमेर से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए वृद्धाश्रम की सेवा के लिए 3801 रुपए, साथ ही रूपा जी दुबे आप सागर से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रही है, मनीष कुमार जी मेवा से 21 रुपए, स्वास्थ्य जी शर्मा आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, गुप्तदान पीतमपुर अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, राधाबाई जी आप जिला धार पीतमपुर से गौमाता की सेवा के लिए 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी श्री श्रृंखला में दुर्गा जी बहादुर आप गोरंग दुर्गापुर झापा नेपाल से 11501 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए समर्पित कर रही है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी श्री श्रृंखला में 1100 रुपए रूपेंद्र सिंह जी एवं सापरिवार समर्पित कर रहे हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश से रामप्रकाश जी शर्मा आप भिंड मध्य प्रदेश से 21 रुपए, नरेश कुमार जी सापरिवार आप मंडी हिमाचल प्रदेश से 2151 रुपए, भोला बारी जी आप 1151 रुपए और 1101 रुपए, श्रीमती सरोजनी जी परमार आप कवर्धा छत्तीसगढ़ से अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में गुप्तदान हाथरस उत्तर प्रदेश से पीपल का एक वृक्ष लगाने के लिए 1100 रुपए, लक्ष्मी राम जी आप खातिक थारेट दतिया मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, पूरन कला जी वर्मा आप भीलवाड़ा राजस्थान से 1100 रुपए, राधा देवी जी आप और हर्षल जी शर्मा आप कोटा राजस्थान से 5100 रुपए, रोहित जी गुप्ता सरम श्री महेश चंद जी गुप्ता 11000 रुपए का सहयोग राजौरी गार्डन से दिल्ली से अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा के लिए कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में 21000 रुपए एक माह का सहारा बनने के लिए श्यामान जी गुप्ता धर्मपत्नी श्री ओंकार प्रसाद जी गुप्ता आप न्यू शोभापुर जबलपुर से कर रही है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने एक मां को गोद लिया है, मां को सहारा दिया है, पुण्य अर्जित किया है। साथ ही श्रृंखला में संतोष धनपत्नी सौरतन जी आप नखडोला गुड़गांव से 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, विक्की कुमार जी एवं रजनी कुमार जी अनिशाबाद से 1101 रुपए पटना बिहार से समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार जी 1100 रुपए नया बाजार से दलपति से समर्पित कर रहे हैं, लखीसराय से आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बूदी रामकला जी यमुनानगर हरियाणा से 1100 रुपए समर्पित कर रहे हैं, शादी मुरारी लाल जी आप जांगिड़ महाराजपुरा अलवर राजस्थान से 1100 रुपए, रामकली जी धनानिया आप अंधेरी वेस्ट मुंबई से 1100 रुपए, काम्या दिल्ली से आप जय विहार नजफगढ़ से 1001 रुपए, रेखा जी गुप्ता एवं आशीष जी आप दो वृक्ष लगाने के लिए और आश्रम निर्माण कार्य के लिए 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी श्री श्रृंखला में तारो देवी जी आप मनवाल जम्मू कश्मीर से 1100 रुपए, श्रीमती जानकी जी कौशिक संजय नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, मोंगली चौधरी जी आप भोईपारा रायपुर छत्तीसगढ़ से 1111 रुपए, चंद्रशेखर जी मिश्रा एवं नीलम जी मिश्रा आप लखनऊ से 1111 रुपए और 11100 रुपए, रुलपाया जी सुमित्रा देवी जी आप तामकुही रोड एक भूमि एक वरगज भूमि दान के लिए अपना सहयोग समर्पित कर रहे हैं, सुनीत जी अरोड़ा आप सुनीता जी अरोड़ा नीलोखोरी करनाल से ए वर्ग भूमि दान के लिए 1100 रुपए के सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नैतिक जी सानखुला आप चंडीगढ़ से 21 रुपए, नरसिंह जी शर्मा एवं किशन चंद्र जी शर्मा आप जम्मू से 1111 रुपए, साथ ही दवाइयों की सेवा के लिए और बंदरों की सेवा के लिए नीताजी कुमारी चौरसिया आप कानपुर से 2200 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही है, सावित्री नारायण जी बेदी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कल जिनका भंडारा है कल अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा ले रहे हैं, नागपुर से 11000 रुपए का सहयोग आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में आशा देवी जी धर्मपत्नी अशोक कुमार जी आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से यहाँ पधारे हैं और एक माँ को गोद लिया है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, 22000 का सहयोग आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा दास जी आप इंदौर से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, प्रवीण जी मोहित जी आप ललित जी गुप्ता इंदौर से 5001 रुपए, नरेंद्र कुमार जी फौजी आप हरदेव नगर कानपुर से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए और आश्रम निर्माण कार्य के लिए 1100 रुपए का सहयोग आप समर्पित कर रहे हैं, साथ ही श्रृंखला में 1100 रुपए अनुष्का जी आप जादौन हाथरस से सनीकेत कॉलोनी से समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। सुधीर जी कानपुर से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। रोशनलाल जी पटेल पंजाब से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही रमेश जी छाबड़ा आप फतेहगढ़ से श्रावासी के लिए अभी विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिवेणी देवी जी आप मैनपुरी से समर्पित कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा के लिए 1100 रुपए। मास्टर उज्जवल जी गौतम जी विजयनगर गाजियाबाद से 1100 रुपए। किरण जी जोशी आप सत्यनारायण जी जोशी बीकानेर राजस्थान से अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा के लिए 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप 1100 रुपए एक वर्ग भूमि दान के लिए और 1100 रुपए एक वृक्ष लगाने के लिए कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी श्री जंगला में साधना सिंह जी परमार आप राजेश सिंह जी परमार आप समर्पित कर रहे हैं 1100 रुपए अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा के लिए। श्रीमान सुधीर कुमार जी आगरा से एक माँ को गोद लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जो आगरा से यहाँ पधारे हैं प्रांगण के माध्यम से और एक माँ को गोद ले रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी श्री जंगला में मंदन जी गिर आप किरण जी वाला से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ममता रानी जी आप उत्तर रानी जी पटियाला पंजाब से 1100 रुपए का सहयोग आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। आलोक तिवारी जी आप कन्नौज से 1100 रुपए समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल्या भाई जी आप तहसील सीतामऊ मंदसौर से 1100 रुपए। नरेंद्र जी अहिरमान आप विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अन्य क्षेत्र की पवन सेवा से आप जुड़े हैं। साथी जी जंगला में 2000 रुपए स्वर्गीय अंकित कुमार की स्मृति में दीपक कुमार के द्वारा समर्पित किए गए हैं रायबरेली से। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जितने भी दानवीर महापुरुषों ने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए। साथ ही प्रांगण के माध्यम से जो लोग कथा से जुड़े हुए हैं, साथ ही जो टीवी चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से आज की पावन कथा से जुड़े हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा आप भी इन दानवीर महापुरुषों की श्रृंखला में जुड़िएगा और इन माओं की भाषा में एक बार सोचिएगा कि आपको अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाने चाहिए। अगर आपके हृदय से आवाज आए कि हाँ बिल्कुल बढ़ाने चाहिए तो शीघ्र ही हमारे सेवा संस्थान से आप संपर्क करें। टीवी चैनल के माध्यम से लगातार प्रसारित हमारे प्रकल्प होते रहते हैं, फोन नंबर होते रहते हैं ताकि आप वहां से संपर्क कर सकें। जैसा कि पूज्य मनासी ने एक संकल्प लिया है बृहद चिकित्सालय निर्माण कार्य का, उसके लिए आप भूमि दान कर सकते हैं। 1100 रुपए देकर आप एक भूमि दान कर पाएंगे। साथ ही जो माँ यहाँ रह रही हैं उन माओ से एक माँ का धर्मपुत्र आप भी बन सकते हैं मात्र 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित करते हुए। अन्य क्षेत्र की सेवाएं नित्य प्रतिदिन यहाँ होती है। आप 1100 रुपए की सेवा समर्पित करते हुए एक दिन की अन्य क्षेत्र की पावन सेवा ले सकते हैं। खिचड़ी प्रसाद सेवा के लिए 5100 रुपए, गौबंदर सेवा के लिए 5100 रुपए का सहयोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही एक दिन की संपूर्ण गौ माताओं की सेवा का कार्य आप मात्र 9,000 रुपए समर्पित करते हुए पुण्य कमा सकते हैं। हरे चारे के लिए 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर सकते हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जैसा कि पर्यावरण को लेकर के पूज्य महाराज जी ने प्रकल्प लिया है, वीडा उठाया है, आइए हम भी सहयोग के हाथ आगे बढ़ाएं और एक वृक्ष अपने नाम से भी लगाएं। मात्र 1100 रुपए का सहयोग समर्पित करते हुए आप एक वृक्ष लगा पाएंगे और जीवन भर आप वहां से पुण्य अर्जित कर पाएंगे। आइए चलते हैं पावन कथा की और उससे पहले एक विशेष सूचना। जैसा कि आप सभी को पूज्य महाराज जी ने अभी विदित कराया, एक बार पुनः यहाँ 108 विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से पोथी पाठ हो रहा है, तो आइए एक पोथी पाठ हम भी अपनी ग्रह शांति के लिए मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए बिठाते हैं। साथ ही टीवी चैनल के माध्यम से सेवा संस्थान के खाता संख्या इसलिए प्रसारित किए जाते ताकि आप वहां से नोट कर सकें और अपनी सहयोग राशि सही जगह पहुंचा सकें। आइए चलते हैं पावन कथा की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव के साथ में बोलेंगे राधे राधे। आइए सभी लोग बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भक्तों कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा है, पर भगवान के पास तो दुख है ही नहीं, फिर दुख नहीं दिया। कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर आप दुख दो। भगवान बोले मां मैं आपको दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तब माँ ने कहा कि नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, यही वरदान दो। भगवान ने ये वरदान दे दिया। उसके बाद भगवान भीष्म पितामह के पास गए, जहां भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और कहा कि मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, इस निर्मल मति को आप स्वीकार कर लीजिए। पितामह भीष्म भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसी भक्ति करते थे भीष्म पितामह कि भगवान का निरंतर चिंतन करते थे और अपनी बुद्धि को आपने भगवान में समर्पित कर दिया। भगवान द्वारिका गए जहां उनका स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी को भगवान विदुर जी ने
उपदेश देके कल्याण किया। जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए, मैया जी, ओ मैया, हो गई पंचायत? थोड़ा शांति से बैठ लो मेरी माँ। अब सुना दें आपको, भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। भगवान श्री कृष्ण कौन से युग में थे? कौन से कौन? आपने क्या बोला? नहीं पता। अरे राम राम राम, माथे पे तिलक तो ऐसे लगा जैसे सब जानते हैं। त्रेता युग में बता रहे हैं भैया जी, भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में थे ऐसा आप बता रहे हैं। तो लॉक कर दें, आप 7 करोड़ रुपए हार गए। 7 करोड़ का प्रश्न आप हार गए, बताओ। सही प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था कौन सा युग? द्वापर। भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम को छोड़कर गए तब कौन सा युग आया? कौन सा युग आया बोलो, फिर 7 करोड़ जीतोगे। लो अब बोल रहे हैं त्रेता आया। त्रेते ही बस याद है लगता है। भगवान कृष्ण जब आए तो भी त्रेता में, और जब गए तो भी त्रेता युग आया। अच्छा है, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब भगवान से धराधाम को छोड़कर गए धरती पर कौन सा युग आ गया? कलयुग। इस कलयुग के प्रथम राजा बने परीक्षित, और परीक्षित ने देखा कि गाय पर अत्याचार हो रहा है। इस युग में गाय पर, साधुओं पर बड़ा अत्याचार होता है। गाय पर अत्याचार कैसे? आज लोग गाय नहीं पालते, गाय की सेवा नहीं करते। इसलिए कहता हूं आप भी गौ माता का पालन किया करो मेरी माँ, तब तो बढ़िया घर में बढ़िया शुद्ध घी और शुद्ध दूध होगा। घर पर नहीं पाल सकते तो गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी एक गाय, ताकि उसकी यहां सेवा होती रहे और आप एक गाय की सेवा का फल प्राप्त कर सके। जीवन में गौ दान जरूर कीजिएगा। श्याम सुंदर का जन्म हुआ था तो नंद बाबा ने लाखों गैया दान दी थी कि नहीं? दान, गाय दान, गौ दान सबसे श्रेष्ठ, नरक से बचाती है गाय। इसलिए गाय को कलयुग मार रहा था। परीक्षित ने कहा, कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? गाय और बछड़े को कलयुग मार, कौन हो तुम? मेरा नाम कलयुग है। क्यों मार रहे हो? बोले, जहां ये रहती है मुझे रहने नहीं देती। मार मार के कलयुग ने गाय को भगाना चाहा। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल दी, कलयुग तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। कलयुग डर गया। तब कलयुग कहता है, महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या? कलयुग की अच्छाई यही है, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति व्यक्ति को जप तप साधन से प्राप्त होती थी, कलयुग में वही गति केवल कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान का नाम कल्याणकारी है, नाम ना छोड़ो। राजा परीक्षित ने, कलयुग बहुत अच्छा युग है, कलयुग इसलिए अच्छा है क्योंकि इस कलयुग में हम लोग हैं, और हम लोगों को कथा भी मिली, और हम लोगों को कीर्तन करने की भगवान ने बुद्धि भी दी है, इसलिए कलयुग सबसे बढ़िया है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, कलयुग में ही
कलयुग को रहने के चार कमरे दिए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। खेल तो नहीं हो जुआ? टाइम पास तो नहीं करते हो? नहीं महाराज जी, हम जुआ नहीं खेलते, पर टाइम पास करते हैं ताश के पत्तों से। जुआ खेलने वाले जीवन में वैसे ही बिखर जाते हैं जैसे ताश की गड्डी बिखर जाती है, ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, है ना। और ताश का खेल ऐसा ही होता है, ताश की गड्डी होती है, उसे बिखेरना पड़ता है। तो जो ताश का आश्रय लेता है, जुआ का आश्रय लेता है, वो बिखर जाता है, और जो भक्ति का आश्रय लेता है वो निखर जाता है। अब निखरना है तो भगवान की शरण में आओ, और बिखरना है तो फिर जुआ खेल ही रहे हैं लोग। जुआ खेलते हैं, जुआ खेलने वालों का नाश नहीं होता मेरी माँ, क्या होता है? सर्वनाश। आप किसी भी हाल में जुआ ना खेलिएगा, बच्चों को संस्कार दीजिएगा। मैं हर सब्जेक्ट का संस्कार चाहता हूं आपके बच्चों के लिए। जुआ ना खेलें ऐसे संस्कार दीजिए। आपके घर में जुआ का माहौल तो नहीं है? आपके घर के बड़े बुजुर्ग तो नहीं खेलते जुआ? दादाजी, ससुर जी, पति जी, मैया, हमें लगा पति को पकड़ के ला रही हैं, लो ये जुआ खेलते हैं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ खेला था कौरवों ने, सत्यानाश हुआ कि नहीं? जुआ खेला था ना? हाँ, सर्वनाश हो गया। इसलिए जुआ से बचिएगा। पानम, दूसरा स्थान शराब है, शराब मत पीजिएगा। शराब पीने वाले आज तक अपना घर बसा ना पाए, पत्नी का मंगलसूत्र बेच के भी लोग पी लेते हैं। शराब ऐसी बुरी आदत है, एक बार ये नशा का स्वाद किसी को लग जाए, उतारे नहीं उतरता। हमारे भारत की हजारों बहन बेटियों का घर बिगड़ गया केवल शराब के कारण। शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, बंद होनी चाहिए। सरकार से कहो शराब बंद करे। बंद होगी शराब तो आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा, संस्कार बचेंगे। आज शराब संस्कार बचने नहीं देती। द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा ठिकाना है चरित्रहीनता। चरित्रहीनता का अर्थ क्या है? रावण ने पराई स्त्री का हरण किया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? रावण जैसे दिग्गज नहीं बचे पराई नारी को परेशान करने से, तो आप और हम सामान्य लोग बच जाएंगे? हाँ। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस खाने वाले को ही नरक जाना पड़ता है तरीके से। आप लोग मांस तो नहीं खाते? मैया जी, अंडा खाती हो? हाँ, नहीं खाती हो? बहुत सारे लोग अंडा, मुर्गी, मछली सब खा लेते। मांस से बचिएगा, अपना धर्म ना बिगाड़िएगा। जो भगवान को भोग लगता है वो हम खाएं। हाँ, अरे देखो ना, मांस खाने वालों, यहाँ अन्य क्षेत्र में रोज अन्न बटता है। 2000 साधु, लगभग 2000 साधु रोज पेट भर के भोजन करते हैं यहाँ अन्य क्षेत्र में। यहाँ जो भोजन बनता है बिना लहसुन और बिना प्याज का बनता है। लहसुन प्याज भी नहीं डलता, और यहाँ का भोजन आप खा के देखिएगा, आपके स्वाद में कोई कमी लगे तो हमें कहिएगा। जरूरी थोड़ी है, लोगों ने थिंकिंग बना रखी है कि भाई लहसुन प्याज डालो तो अच्छा बनता है भोजन। अरे लहसुन प्याज डालने से अच्छा बनता है, आओ हम तुम्हें खवाएंगे बिना लहसुन प्याज का, खा के देखना, तुम्हारा घर वाला भूल जाओगे।
चार दिन तुम्हारे घर का अच्छा नहीं लगेगा। देखना सात दिन बाद जब आप यहां से जाना तो आपको चार दिन अपने घर का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां भोजन नहीं होता, यहां तो भगवान का प्रसाद बढ़ता है। प्रसाद है और प्रसाद तो सबसे निराला है, इसलिए यहां तो साधु संत रोज बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी मालपुआ खाकर बढ़िया भजन करते हैं भगवान का। आप भी इस अन्य क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, आप भी एक दिन का दो दिन का अपने बच्चों के नाम से अपने नाम से ये अन्न क्षेत्र भंडारे से जुड़कर आपके द्वारा लगभग 2000 जरूर। अच्छा यहाँ रोटी लेने भी वही आते हैं जो वास्तविक में संत हैं, जरूरतमंद है। नहीं आजकल रोटी लेने कौन खड़ा होगा लाइन में जो जरूरतमंद है। और देखो आपका सहयोग इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचता है। यहाँ रोज 8 बजे 8:30 बजे से अन्न क्षेत्र चालू हो जाता है और 2000 लोगों को लगभग 2 से 2500 लोगों को बढ़ता रोज। आप भी खाकर देखिएगा, चख कर देखिएगा। धर्म का आचरण कर लो मेरी माँ, कल को बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने सिर पर मुकुट धारण कर रखी थी। राजा परीक्षित ने कलयुग का पांचवा स्थान मांस, पांचवा स्थान सोना गोल्ड, पाप का धन है तो कलयुग, पुण्य का धन है तो भगवान बसेंगे। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी, कलयुग सवार हो गया और राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया तो उनके पुत्र शंगी ने श्राप दे दिया, तुमने संत का अपमान किया। देखो जब कलयुग सिर पर बैठता है तो संत महात्माओं का ब्राह्मणों का अपमान कराता है और जब अपमान कराता है तो फिर उसका दंड भोगना पड़ता है। कोई कहे कि महाराज जी वो चोर चोरी क्यों कर रहा, वो चोर चोरी नहीं कर रहा, कलयुग उसकी खोपड़ी में बैठ करके उसको चोरी करा करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचा रहा है। कलयुग उसकी खोपड़ी में बैठ गया, गलत विचार होंगे, गलत खान पान होगा, गलत रहन सहन होगा तो फिर खोपड़ी में कौन बैठेगा, कलयुग। फिर वो गलत कराएगा फिर उसकी सजा मिलेगी। इसलिए विचार गलत ना हो, कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, उसकी बुद्धि विचार गलत होते हैं तब तो सब गलत हो जाता है। तो अपने बुद्धि को बचाइएगा, ये गलत ना हो जाए, और ये गलत तब होगी जब सदा भगवान में लगी रहेगी, और बुद्धि यहां वहां लग गई तो फिर कलयुग बैठ जाएगा। राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, संत का अपमान हुआ। इति लंगित मर्यादम तक्ष कह सप्तमे हनी जाओ, सातवें दिन मर जाओ। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। गंगा के तट पर आए और सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुदेव जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर अब कल देंगे। आइए भोले बाबा का पावन सा दर्शन करते हैं और फिर आरती की ओर चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, बम 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 हो गौर पार्वती जी, बम बम हो कैलाश के मालिक, बम बम हो तीनों लोक के मालिक, बम बम भोले बम बम भोले हो भोले बम बम भोले बम बम भोले हो भोले बम बम भोले। मुरली बात चल गज बज गए हैं, शंकर भगवान की। आइए ठाकुर जी की आरती उतारते हैं। हाँ
सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं स्थान पर। ओम हरि ओम माम चंद्रमा मन सूर्यो सूर्यो अजात श्रोत्राद वायुश्च प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ ऊपर झूमते हुए भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की